आप लोग लाइव है सर यूट्यूब पे? जी लाइव कनेक्ट हो गया है। हाँ एक मिनट, यूट्यूब ऊपर लाइव हमने चैनल कर दी थी चेक करने। थोड़ी बार लगता है। राइट सर, अब आप यूट्यूब पे लाइव हैं? जी राइट। अभी मैं लिंक आपको यूट्यूब का शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब का लिंक आप पूरी। दिस इज गुजरात पेंट रॉ मटेरियल सप्लायर एसोसिएशन प्रोग्राम विच इज राइट नाउ लाइव ऑन पेंट विजन चैनल। एवरीबडी इज वेलकम हियर एंड दिस इज अ गेट टुगेदर जस्ट गोइंग ऑन इन यू नो गुजरात। अभी ज्यादा जानकारी हमारे को गुजरात ये जो पेंट रॉ मटेरियल एसोसिएशन के लोग हैं वो देंगे। आप मेन उसमें जा सकते हैं सर। अभी जो गेस्ट है हमारे जो जोधपुर से इनवाइट किया है कई लोग पेंट मैन्युफैक्चरर को, तो वो अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में और काफी सारे गेस्ट आ भी चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी। आज वो लाइव मुक्की दे दियो जाने बैठे हैं। वो पहली बार थे यूट्यूब पर चला जूम मीटिंग। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लो एक बार बस। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। बस दैट्स इट, फाइन। बस अब एक का तो तमारो शेयर कर से का तो मारो वीडियो शेयर कर से। તમારે બંધ રાખો તો બંધ રાખી શકો, ચાલુ રાખો તો ચાલુ, જેમ તમને ફાવે બંને રીતે। હું અહીંયા આગળ સિટિંગ કરી દઉં છું એમની। Now you are live on YouTube, मैंने YouTube का चैनल भी शेयर कर दिया। शुरुआत में मुलाकात करते हैं। हमने YouTube નું લાઈવ ચેનલ હશે પુરવિન ભાઈ। YouTube નું લાઈવ ચેનલ લિંક આવી એ આપણા ગ્રુપમાં જો પ્રવા ગ્રુપમાં નાખી દો। હા
એટલે જેટલા આપણા અહીંયા મેમ્બર હશે બધાને યુટ્યુબ લાઈવ પણ આવી જશે. सर आसपास के जितने भी लोग हैं जो जूम मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं वो बंद करवा दीजिए, उनको बोलो कि यूट्यूब से लाइव देखें, जूम मीटिंग बंद कर दें. जूम मीटिंग हुआ तो बंद कर दो. तरुण भाई जूम मीटिंग चालू तुम्हारे, बंद कर दो. कमलेश भाई यूट्यूब में लाइव चालू है, यूट्यूब ની લિંક મોકલી હશે. આપણું આ ચેનલ પેન્ટ વિઝન માં લાઈવ ચાલુ છે. અચ્છા યુટ્યુબ લાઈવ પેન્ટ વિઝન પર લે લે વ્યવસ્થિત વાત YouTube लाइव चालू है Thank you.
उसको भी मालूम भी हो और हम सब यूट्यूब लाइव चैनल चालू એને લાઈવ કટ દીધું છે યુટ્યુબ ઉપર અને એમની પણ બધા મેમ્બરને લિંક મોકલી દે ઓલ ઇન્ડિયા વહેલા ચાલુ કરી દીધું અમે. હું બંધ કરું તો બધું બંધ થઈ જશે, એનું ચેનલ બંધ થઈ જશે. આમાંથી શેરિંગ આપી જાણે કમલેશભાઈ ગૌતમભાઈ ફોન કરો ને, મને કરે છે. ગૌતમભાઈ પૂછો ને શું. ગૌતમ પાછ
पेंट विजन ना यूट्यूब में लाइव चालू है Thank you.
Sir, please unmute yourself.
मैं अनम्यूट हूँ, आपको कुछ पता नहीं सर? फिलहाल नीचे मुखी जो बार देता हूँ। अभी आवाज आ रही है? यस। ओके। अभी जस्ट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। सप्लायर्स मैं विनती के चार नास्तो चार चीजें तो चार नास्तो। जी। जी। सॉरी। जी। तो मैंने क्या हेडफोन कनेक्ट किया हुआ है? सभी। तो मैं अभी जहाँ पे माइक वगैरह है वहीं पे मैं बैठा हूँ, राइट? भाइयों को विनती के चाइना का प्रोग्राम चालू है तो आप तो थोड़ी देर में अपने ये मीटिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ मेहमानों की देरी से वजह से थोड़ा लेट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो वो आएंगे जैसे ही अपने मीटिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। नहीं
संजय नो क्लासिक नाम छ ना क्लासिक ब्रांड क्लासिक ब्रांड नो क्लासिक ब्रांड संजय नो क्लासिक ब्रांड हेलो हाँ हाँ जो जहाँ से ये बोलेंगे ना स्टार्ट करेंगे ना अभी जस्ट प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है तो जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो मैं वहीं से ही मैं जो जहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना वहाँ से मैं चालू कर लूंगा हाँ क्योंकि वो कैमरा भी मेरे पास है फोन भी मेरे पास है चलिए चलिए नहीं तो बेटर है चला
देखा सवाल नहीं बोलवा तो सवाल नहीं तुमने professor of chemistry is a vast experience of our industry. तो अभी थोड़े देर के लिए अपने
एक डॉक्टर मित्तल साहब की स्पीच ले लेते हैं. डॉक्टर मित्तल साहब इज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एंड ही इज अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ अवर पेंट इंडस्ट्री. तो डॉक्टर मित्तल साहब आप. थैंक यू. आपको ये गलत है, पेंट इंडस्ट्री में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है. अहमदाबाद से आए थे साथियों. जनरली तो ये होता है कि जो प्यासा आदमी कुएं के पास जाता पर जो बोरा साहब ने कहा कि हम लोग जो है मैन्युफैक्चरर को जो सप्लाई करते हैं पेंट इंडस्ट्री का मैटर सप्लाई करते हैं, तो हमारी मेरी खुद की पेंट इंडस्ट्री तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जो है कुछ हम कोटिंग्स बनाते हैं. डिफरेंट कोटिंग जो है जो कि आयरन पे भी काम आती है, लकड़ी पे भी काम आती है. हमारे यहाँ जोधपुर से हेडी शॉप का काफी बड़ा एक्सपोर्ट. मैंने वैसे डिफरेंट फील्ड में काम किया हुआ है. सबसे ज्यादा तो मैंने टेक्सटाइल में और मेरे हमेशा जो हॉबी रही है कि जो काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है. हमेशा मैंने जो काम किया लीक से हटके काम करने का मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो भी काम होती है. हमारे प्राइवेसी भी कहते हैं कि अगर आप जो है अपने कंट्री को आगे नहीं जा सकते हैं तो सिर्फ इनोवेशन से जा सकते. अब सब जो काम करते हैं पेंट सभी लोग बनाते हैं, उसमें ऐसी क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं है. टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो पेंट बना रहे हैं हम लोग है बहुत ही लोग पेंट बनाने वाले हैं. तो मैंने सोचा कि एक्चुअली मैंने कॉलेज से बैनर भी हुआ मैं 2000 में जो कॉलेज से रिटायर हुआ होने के बाद में मैंने सोचा कि मेरी जो नॉलेज है वो सोसाइटी में काम आए. सोसाइटी में काम आने की तो मेरे पास में हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अप्रोच की कि सर हम ये प्रमोट करते हैं. आप देखिए जोधपुर का हड्डी का आपका जो स्टेज था वो क्या करते थे, लकड़ी के ऊपर पोटेशियम कलर डेवलप करते उसको लगा करके वो ब्राउन कलर वाले मेंशन पे भी उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी उसके मेंशन पे उसको लगा करके अब आज एक्सपोर्ट के लिए पर एक्सपोर्ट का काम बड़ा काम होता है. उस स्टेज से पहले कहा नहीं, हमने जो वो लोग जो है इम्पोर्ट किया करते थे हॉलैंड से, वो कलर जो है जो स्टेज है हॉलैंड से मंगाया करते थे. तो हैंडीक्राफ्ट प्रोसेस जो प्रेसिडेंट थे मेरे को कहा करता जो है ये हम हॉलैंड से मंगाते हैं, ये कलर यहाँ बन सकते हैं, ये हाँ बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, क्या जिंदगी बन सकती. तो उन्होंने मेरे कॉलेज को डोनेशन किया. तो मैंने उनको बना के दे दिया साहब इसको आप खुद बना में कि भाई मैंने एडवाइजरी कैपेसिटी में काम किया. मेरे को ये नहीं मालूम कि सेल टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स से कोई ये क्या प्रॉब्लम होती है, तो देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता. बोले साहब हम आपको सिखा देंगे. मेरा नेटवर्क था वो एडीएस करता मैं का भाई चलो बना के दे तो उसको स्टार्ट कर दिया. वहां से मेरी जल्दी स्टार्ट हो गई और स्टार्ट का आज करीब 20 साल से पहली काम का काम कर रहे. वैसे पहले मेरे काम मिनरल में भी काफी किया हुआ है. यहाँ एक मिनरल है
उनकी जो आज हाइड्रेट लाइन बनाते हैं बेस्ट क्वालिटी के बनते हैं, हाइस्ट क्वालिटी के बनते हैं, 97% बनाते हैं। आई हैव कैरियर टू फॉर द फर्स्ट टाइम कॉपर टीवी को दे दे रेफ्रिजरेशन एयर क्वालिटी टू कॉपर टीवी। यहाँ मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया, फास्ट मीटिंग को तीन से डेवलप किए इंडस्ट्री में जो आगे किए, और सबसे ज्यादा टेक्सटाइल में काम। टेक्सटाइल में आज भी इतना बड़ा स्कोप है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है। हम देखो बराबर पाना, मैं अगर बात करूँ मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन हूँ, एसोसिएशन बना लेते हैं जैसे यहाँ बन गए टेक्सटाइल एसोसिएशन है, हिंदी का एसोसिएशन है, पेंट एसोसिएशन है, एसोसिएशन में अगर हम जो है अपना आर एंड डी एक डिपार्टमेंट रखते हैं, किसी भी कोई भी आपकी जो लाइन है उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रखते हैं, तो उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं कि जो फीस है वर्ल्ड लेवल, क्योंकि इंडिविजुअल जो आदमी है उनका ऐसा पैसा कर नहीं सकता, और एसोसिएशन लेवल कर सकते हैं, और फिर वो जो टेक्नोलॉजी है तब अपने जो जो एसोसिएशन है उस एसोसिएशन को वाटर का पॉल्यूशन है इतना ज्यादा था कि गवर्नमेंट ने प्लान लगाया पाली में, हमारे यहाँ से कहीं 70 किलोमीटर पूरे पाली है, तो प्लांट लगाया, उस प्लांट में जितना आपका रोज का जो खर्चा था वो खर्चा 7 करोड़ का प्लांट लगाया था, और उतना खर्चा था तो प्लांट को रनिंग कर। यहाँ पे सेमिनार हुई, मैं आपको आज बताता हूँ करेंसी बता रहा, सेमिनार हुई, सेमिनार में लोकल लोगों ने कहा साहब पता नहीं क्या होगा, आप ये भाषण दे दें पॉल्यूशन में, भाई इनको पॉल्यूशन में एबीसीडी वाले पॉल्यूशन है तो मेरे को एबीसीडी वाले में कैसे पॉल्यूशन में आप भाषण दे दें। मैं जब गया फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री को एडवाइज करते मेरे साथी, और हाँ पेपर पढ़े देखे ना ग्यारह इसके तो बड़ा मुश्किल है, तो फंस गए। अब प्रोसेसिंग में जो है अब एक पॉइंट मिला कर टेक्सटाइल के अंदर सबसे बड़ी क्वांटिटी लगती है कॉस्टिंग के लिए, सबसे बड़ी ज्यादा क्वांटिटी, और मेरे को लगा कि कॉस्टिंग जो है वो फिजिकल फिनोमेना है। आपके अहमदाबाद में भी फंड इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, शायद लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये जो प्लास्टिक के मर्सराइजेशन करते हैं ये फिजिकल फिनोमेना है। फिजिकल फिनोमेना का मतलब है मर्सराइजेशन प्रोसेस में प्लास्टिक के टच में आता है कपड़ा, उसके बाद हम प्लास्टिक को वॉश करके निकाल देते हैं। तो मैंने बस उस पाइप को बड़ा इसलिए नहीं किया कि प्लास्टिक को हम रिकवर कर सकते हैं और इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली लेक्चर देने से पहले उसको रिकवर किया, उसको रिसाइकिल किया, और उसके बाद लेक्चर दिया 81 में, और उस लेक्चर में दिया मैंने कि भाई हम जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो पॉलिसी में प्रॉब्लम क्यों है, हम रिसाइकलिंग करें और जो प्रोडक्ट ज्यादा पॉल्यूटेड है उनकी जगह पे हम दूसरे प्रोडक्ट को यूज करें जिससे पॉल्यूशन कम होता है, तो उससे क्या होगा आपका पॉल्यूशन कम होगा रिसाइकलिंग करने से। तो आप देखिए क्या हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ने एप्रोप्रिएट वाशिंगटन डीसी से 5 साइंटिस्ट बनाए, उन्होंने कहा कि जो उसमें कोई आदमी जरूर काम करता हूँ। तो मेरे यहाँ सेमिनार के अंदर मेरा पेपर था पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन वेस्टर्न राजस्थान इन रेमेडी, तो हमारे वेस्टर्न राजस्थान में जो जो पॉल्यूशन होते थे उसकी हम कैसे रेमेडी कर सकते हैं, तो सबका मैंने उसमें सोल्यूशन दिया था। तो उन लोगों ने पेपर पढ़ा, पढ़ने के बाद मेरे पास आए, उन्होंने राइटिंग में एग्रीमेंट किया मेरे से, राइटिंग एग्रीमेंट किया कि सर आपके पेपर की जो आपने जो पॉल्यूशन की जो रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस बताया है इसको हम राजस्थान गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइटिंग में एग्रीमेंट करने के बाद मेरे को पैसा दिया, अमेरिकन ने पैसा दिया, पैसा देने के बाद में राइटिंग में गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने उसके बाद में मेरे को गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड दे दिया भाई तू मेरा पेपर जो है रणनीति को पढ़ा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर एसोसिएशन में कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे स्टेनलेस स्टील की इंडस्ट्री है, चाहे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, चाहे हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री है, सभी के अंदर आर एंड सेंटर होना चाहिए। जब उसकी प्रॉब्लम से वो आदमी रिलेटेड है और रिलेटेड से प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है।
और जब हम प्रॉपर तो परिषद देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री के अंदर हम चाइना वगैरह को कंपीट करेंगे। अभी पेन पे है, पेन का बहुत स्कोप है, पेन में भी इसको पे कोरोना में जो है लोगों को बड़ा हाइजीन करते हैं, हाइजीन की तरफ पूरा वर्ड जो है हाइजीन की तरफ है। तो देखिए आपके जो है आपके लिए पेन बना सकते हैं, आपने सुना होगा कि ऐसे पेन बनाता है, पेन बनाते हैं तो उसके अंदर जो है आपका हाइजीनिक पार्टिकल्स बेटर है तो उसमें नैनो पार्टिकल्स देते हैं, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो सिल्वर पार्टिकल्स बहुत बहुत बेनिफिशियल है और यू कैन इनकॉर्पोरेट जो है नैनो सिल्वर पार्टिकल्स को आप एकदम हाइजीनिक पेन बना सकते हैं, अच्छी तरह से बना सकते हैं। अभी आजकल जो है कन्वेंशनल पेंट बनाने का टच को भी हम लार्ज स्केल लोगों को जो बड़े बड़े जो एसी पेंट है वाटर पेंट है तो कंपीट भी कर सकते हैं, जब उनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो हम कंपीट कर सकते हैं। हमारे पास में एक टेक्नोलॉजी है और हम स्पेशल पेंट जैसे आजकल इंडिया में काफी लोग सिल्वर बेस जो है हाई पेंट बना रहे हैं तो हम जो है उन लोगों को कंपीट कर सकते हैं कि जो हमारे जो पेंट भी बनाए थे उसके अंदर कुछ कुछ टेक्नोलॉजी कुछ कुछ खासियत हो कुछ कुछ अच्छी बात हो। मैं सिंपल से एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं मॉर्निंग में वॉक कर रहा था तो यहाँ एक बनाते हैं हाइड्रेटेड लाइन बनाते हैं, मेरे से बोले थे हाइड्रेटेड लाइन जो है हम बनाते तो हैं बाहर से हाइड्रेटेड लाइन आता है उससे पेंट बनता है कौन सा हाइड्रेटेड लाइन। मैंने जब उसकी डेप्थ में गया वो हाइड्रेटेड लाइन भी ऐसा था, जनरली आपने देखा होगा कमी है एयर कोई फंक्शन होते थे पूरे की लाइन लगाते हैं तो पहले और हाइजीनिक पे एक बहुत काम आता है चूना, तो चूने से भी आप ऐसा पेंट बना सकते हैं कि वो चूना जो है अभी जो कली करते हैं कली जो करते हैं तो वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और वो कैल्शियम कार्बन बदल जाता है। जो हाइड्रेट लाइन है वो हाइड्रेटेड लाइन ही रहता है, उसको ऐसा टेक्निकल ट्रीटमेंट करते हैं कि वो हाइड्रेटेड लाइन जो है हाइड्रेटेड लाइन होता है उसकी जो जो आपका एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी है दैट बिलोंग लॉन्ग में काफी अफेक्ट करती है वो दीवार का हाइड्रेटेड लाइन पेंट से दीवार का बच्चा भी बन सकता है। उस पे हाइड्रेटेड लाइन से जो पेंट बनाएंगे उसका कोई बच्चा है जनरली प्रॉब्लम होती है चिपकली दीवार पर आ जाती है बच्चे लोग डरते हैं डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनको आप हाइड्रेट लाइन से ऐसा पेंट बना सकते हैं क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब नहीं करता और दैट रिमेन एज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसकी जो इसकी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी हमेशा बनी एटलीस्ट 10 ईयर तक उसकी लाइफ होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज अगर हम किसी भी फील्ड में ठीक है मेरा तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे पास तो क्या था मेरी जब मैं पढ़ाता था तो मेरी हॉबी थी मैं यही कहता था भाई आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप आइए लोगों हाँ जोधपुर में लोग जानते हैं कि साहब अरे कोई काम होता है तो साथ पास आएंगे तो मेरी आप कहते हैं कि भाई मैं ही उसको सोच के इसको काम नहीं करता था कि मेरे को कुछ पे करेगा मैं सोचता था मेरे को एजुकेट करना मैं सिर्फ कुछ था बता रहा हूँ यार जो तो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है बार के इंडस्ट्री तो बार उसके मालिक जो है यहाँ आप क्या करते थे शास्त्री में मैं भी शास्त्री में रहता हूँ तो एक यहाँ सेमिनार हुई एरिडोन में मैं भी चला गया सेमिनार में तो लोगों ने कहा था कुछ भी ग्वार कर पे अभी कुछ जो है लेक्चर दे दो थोड़ी बहुत नॉलेज दी तो मैंने उनको कहा कि साहब जो है आप जो है ये हाइड्रोक्सीथाइल डायरेक्ट से बनाते हैं तो क्लोरोहाइड्रेट से बनाते हैं तो ये स्टेप क्या पढ़ते हैं आप इथिलीन ऑक्साइड क्लोरोहाइड्रेट बनाते हैं क्लोरोहाइड्रेट से पर आप जो है हाइड्रोक्सीथाइलेशन करते हैं उन्होंने अपने आरएनडी को कहा बात तो है कर सकते हैं इसको जो इथिलीन ऑक्साइड से इसको कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते तब कर देते हैं तो क्या होता है बड़ी सिंपल सी चीज होती है थॉट की बात हर क्षेत्र में स्कोप है इनोवेशन का। आज जैसे मैंने हाई स्पीड काम किया ये हिंदी छाप में काम किया तो मैंने तो एक ही तो सॉल्यूशन दिया लोगों को यू कम योर प्रॉब्लम एंड आई विल
अपनी प्रॉब्लम लेकर के आए मेरे पास में, मैं उसका हर चीज का सोल्यूशन दूंगा। कोई मेरा ये एम नहीं था कि मैं पैसे कमाऊं, मेरे पे था कि दहेज और गोली से काम आता, दूसरा मेरा बुढ़ापा अच्छा नहीं था। जो आदमी क्या होता है, बिजी रहता है ना, तो उसको बुढ़ापा देर से आता है, उसका खाली बैठा रहता है, आदमी क्या करता है, मिट्टी खाता है, मिठाई खाता है, आता है और जब आप काम पे लगे रहते आपको समय का पता नहीं पड़ता। जब मैं काम में जाता हूँ सुबह, मेरी एटीएम एटीएस पे रजिस्टर, आज भी जब जाता हूँ 9 बजे 10:30 बजे जो है व्यक्ति आता हूँ, 1-1.5 बजे तक जो है मुझे सपोर्ट करते हैं, 1:30 बजे खाने का टाइम करता हूँ, मालूम पड़ता है ऐसे 1:30 बजे तो आराम से काम हो जाता है। आप लोग तो काफी एक्सप्रेस आदमी है, अहमदाबाद तो एक बहुत बड़ा हब है, अहमदाबाद बहुत अच्छा है। आज हमारे जोधपुर में हिंदी का है, तो आप जो है ये गुजरात में भी हिंदी का तो बता रहे, लेकिन फोर्थ पार्ट पे है। केमिकल हम लोग वहां से मंगाते हैं, लकड़ी वहां से मंगाते हैं और फिनिश करके वापिस फोर्थ पे भेजते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपके पास तो फोर्थ भी है, आपके पास केमिकल्स भी है, आपके पास लकड़ी भी है, रॉ मेटेरियल भी है, बहुत बड़ा आपका सकते। हालांकि राजस्थान पिछले गवर्नमेंट ने गुजरात गवर्नमेंट एफर्ट किए थे, ये तो कोविड के कारण खास तक कुछ ना हो गया, कोविड से पहले वहाँ अहमदाबाद उन्होंने हिंदी कार की थी और जो कुछ भी हिंदी कार के लोग गए थे वहाँ पे आगे बेटा तो नहीं पाया। अब देखिए क्या होता है, आपकी गुजरात की जो बबूल होती है वो लाल हो जाती है, प्रेगनेंसी होती है लाल, बड़े बड़े लाल हो जाते हैं, तो वहाँ गुजरात के लाल भी उसको जो है काम ले रहा है पसंद नहीं करती, क्योंकि तो जो लाल हो जाती है, लाल हो जाती है तो फर्नीचर बहुत खराब है, उसमें जो क्रैक भी होगा फट जाती उसका फर्नीचर, तो ये सब का सोल्यूशन है। उसके ऊपर जो है ऐसी आप कोशिश करके घुसेगा मेरी लाल भी नहीं, अगर लाल भी हो गया तो उसको वापिस जो है लाल सब कर देंगे। तो एक बहुत बड़ा स्कोप है कि आपके यहाँ गुजरात में ये फर्नीचर भी उसको आप रखने को, आप अगर इसके इंटरेस्ट है तो हम अपने आदमी ला करके आपके यहाँ वर्कशॉप कर सकते हैं, आपके यहाँ आदमी ला करके हम वर्कशॉप कर सकते हैं, आपकी बबूल की लकड़ी को बिल्कुल वर्केबल बना सकते हैं, और हम अपने यहाँ से भी बबूल की लकड़ी को पहले हमारे में ना वो हमारे राजस्थान में भी जो है शीशम की कोई लकड़ी काम आती थी और कोई बबूल के हाथ भी लगा लकड़ी को, कोई जैसे बाहर पसंद करता था ना यहाँ का वो बबूल की लकड़ी को पसंद करता था, हमने थोड़ा काम किया, हमें पता लगा शक्ति को उसका इलाज किया, फिर पता लगा कि इसमें दाल जो होती है उसका इलाज, और अगर लाल भी हो गई तो उसको लाल को कम कैसे कर उसका इलाज किया। तो वो बबूल की जो क्यों अगर हमारे हाथ से हम बबूल को प्रमोट नहीं करते तो शीशम यहाँ से एक्सपोर्ट होती किसी शीशम के, ये लोग अंग्रेज लोग बड़े चालाक होते हैं, इन्होंने क्या किया कि शीशम तो बैन कर दी, अब शीशम को तो बैन किया उन्होंने, तो हमारे लोगों के पास में गोली लकड़ी रही ठीक जो है, हम इतनी महंगी होती है तो स्टैंड नहीं कर सकते, तो दो लकड़ी थी तो शीशम एक आम, आम की लकड़ी में डिफेक्ट था, वो पीले से दांत हो गए हैं, काले दांत हो गए हैं, बाहर कहता है कि हम काले दांत की लगानी होगी, हमने कहा उसका भी सोल्यूशन किया हमने, तो पीला रंग मिटा दो आम की लकड़ी चलन दिया, वो आम भी अब जोश हो गया तो फिर लोगों ने आम भी बहुत जल्दी कम पड़ रहा था, बबूल की तरफ जाने लगे लोग, बबूल फटने की लाल भी शिकायत थी जब अल्लाह उसको देखे, तो बबूल की लकड़ी को हमने लालपन खत्म कर दिया, लाल हो गया लाल होना बंद कर दिया, फटती थी फट होना बंद कर दिया। तो आपके तो गुजरात में बहुत बड़ा स्कोप है ये लकड़ी का हिंडी काम को डेवलप करने का, और इसको डेवलप करने में आई एम वेरी हैप्पी कि अगर आप लोग इसको प्रमोट करते हैं वहां, तो मैं अपनी सेवाएं देने जाऊँ, मेरी मैं मेरी टीम मिले वहां करके आप यहाँ वर्कशॉप कर सकते हो और आप बता सकते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे सकते हैं, और हमने जोधपुर में भी हमने एक प्लान किया है, अभी कुछ दिन पहले हमने जोधपुर हड्डी का एसोसिएशन हमने रखा था, हम अपने स्वास्थ्य विभाग के बारे में एग्जीबिट कर देते हैं और उसके बारे में जो भी डिसीज है
उनको हम जो है उनको बताते हैं कि भाई इसमें क्या है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड में। आज जो है हमारी हिंदी काम पे हम लोग जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब एक सिंपल सी एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं कभी फंक्शन वगैरह में जाता नहीं है, मेरे जो है उमर साहब है मेरे साथ में आए हैं, ये बी आई आई टी और एम बी आई एम से है। तो कुछ साल पहले मैं बीमार हो गया था तो मेरे बिजनेस को वाइंडर कट गया, तो चार पांच दिन ये रहा ही ना बिजनेस को वाइंडर कट गया। फिर देखे बिजनेस, फिर देखा यार पापा आपका बिजनेस तो ऐसा है कि लोग आते हैं आपका मना करते हैं, लोग को बिजनेस के लिए बिजनेसमैन के पीछे पीछे घूमते हैं सप्लाई करते, वो आपका तो आपको मना करते हैं कि हम हर घर से बाहर भी आ रहे थे, हम ज्यादा कस्टमर नहीं लेते, मुरादाबाद से कस्टमर आ रहे थे हम कस्टमर नहीं लेते, हम तो लिमिटेड लिमिटेड काम करना चाहता। पापा आपके काम में तो बहुत छोटी चीज है, मैं कोई सेल्स का आदमी लेकर नहीं कर कुछ लेकर, तो मेरा तो एक ही मोटो था यू कम विद योर प्रॉब्लम आई विल सॉल्व। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आज भगवान के पास ये मेरे ये हो गया, हैंडी का भी कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का समाधान मेरे पास। जैसे बबूल जो है ये शीशम बैंक हुआ, जब शीशम बैंक हुआ तो इंग्लैंड का बाहर आया हुआ था, हमारे यहाँ तो शीशम का हमें कैटलॉग दे रखा, हम क्या करेंगे शीशम बैंक है क्या करेंगे। मैंने कोई बात नहीं, हमने स्टडी की ये जमीन में से भगवान ने नेचर ने बनाई है कि ऐसा शीशम में क्या चीज है, बबूल में क्या चीज है, उसको स्टडी किया तो उसके इसमें टैनिन होती है और लिग्निन होती है, हमने तो उसको लिग्निन को चेंज कर दिया, जो बबूल की लिग्निन है उसको हमने उसको शीशम के लिग्निन में चेंज कर दिया, बबूल आ गया। हाथ में ले गया पता लगा सकते हैं ये क्या नाम है बबूल है, अदरवाइज लुक में तो आपको लगेगा शीशम का फर्क है। तो ये सब चीज कैसे है ये सब टेक्नोलॉजी। तो आजकल मेरे जो सभी लगा है अदरवाइज मेरे कोविड के कारण जो है ये दो साल पहले मेरा बिजनेस बंद हो गया, पहले भी साल बंद कर देता बंद है जो फैल कराव नहीं करती थी मेरी, इन्होंने आगे संभाल लिया था ही जो है ये सब चीज अच्छी तरह से कर पाते हैं। और एक आदमी पढ़ा लिखा बहुत अच्छा बिजनेस कर लेता है बहुत अच्छी ढंग से, इन्होंने ही जो है अभी प्रोफेशनल मेरे काम सुन लिया, मेरे तो क्या था इतना प्रोफेशनल काम नहीं था, ऐसे इन्होंने स्वाचिज बनाने लोगों को और ये करने सेमिनार्स करनी लोगों को अपने यहाँ वर्कशॉप करने आगे सम्माना लोगों को, इस तरह का हमने काम करना सीखा। तो इस तरह के एक एसोसिएशन लेवल भी ऐसा समझिए आपका, जैसे कोई भी मेटेरियल है उस मेटेरियल का प्रॉपर यूज कहाँ है क्या है वो एसोसिएशन लेवल की आपको करना, क्योंकि अभी आप क्या करते हैं इंडिविजुअल करते हैं काम, अपनी प्रॉब्लम सुन के लोग जो है सॉल्व करके सॉल्व करते नहीं और यूजते रहते हैं, तो मेरा तो यही है। और आपके कोई भी क्वेरी है टेक्सटाइल में मेरा वास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने जो है टेक्सटाइल में देखिए मर्सराइजेशन की जो प्रोसेस सेट की, अब देखो रिसर्च क्या होती है, मैं सिंपल सी कहता हूँ कि मैं यूनिट को एडवाइस करता था उनके पास में पानी की कमी थी, जब पानी की कमी थी तो मैंने सोचा कि उस कॉस्टिक को निकालने के लिए अगर मैं हॉट वाटर लूंगा तो कॉस्टिक बाहर निकल जाएगा और कॉस्टिक को कंसंट्रेट करना और उस कंसेप्टेट को बिल्कुल साइकिल करने में बहुत आराम मिला। तो मैंने उसको वॉश किया एकदम बॉइलिंग वाटर से, वॉश करने के बाद में देखा कपड़ा जो बहुत अच्छा इसकी जो बदबू से डाई अपडेट 5% बढ़ गया था, डाई अपडेट उसका 5% फिर हमने कहा कि नहीं इस कास्टिंग को हम हॉट ही से मर्सराइज करें, हॉट कास्टिक पे ही हम इसको मर्सराइज करें, हमने कास्टिक को गर्म किया इंप्लीकेशन किया और उसके बाद में इसका वेल पीरियड के बाद में उसको हमने ठंडे कास्टिक में से और पास किया और प्रॉपर्टी थी नी एडवांस इतनी बढ़िया हो गई, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो गई, उसका रिस्पेक्ट ज्यादा हो गया। तो आप देखिए ये मैंने काम किया था 79 में और एक मैं इसका पेटेंट भी किया था, तो एक मेरे भी पेटेंट थे 86 पे पेटेंट किया हॉट कास्टिक, और आज भी मैं कहूँ अहमदाबाद में बहुत लोग जानते थे हॉट वाटर क्या होता है, आज भी वो लगी कि फकीर चलते रहते भाई कास्टिक ठंडे कास्टिक पर प्रोसेस करके हॉट कास्टिक से जो कपड़े को जब प्रोसेस करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं, उसकी जो है डायमंड सेंसिटिविटी बहुत अच्छी आती है। अब सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूं डायमंड सेंसिटिविटी का, एक डिस्कवर यूनिट में एडवाइस करता था कि फर्स्ट टाइम लो तो 2x2 कपड़ा होता है अच्छा
जनरली लेडीज बिलोंग कर रहा है टू वाइज लोग कहते हैं प्रोसेस कर रहा है सेल्फ फाइल प्रोजेक्ट पर वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो सेंसाइजिंग है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज डाइमेंशनलिटी है हमने वो डाइमेंशनलिटी को देखी तो व्हाट कांटे के बन गए क्या उसके डाइमेंशनलिटी उससे जो मशीन से वाली की वो तो मेरे कहने का मतलब है हर इंडस्ट्री के अंदर जो आरएनडी होना चाहिए चाहे आपकी जो है आपका जो एसोसिएशन है नीता नहीं वाले अच्छा काम कर रहे मशीन वगैरह आज तेरी कुछ मशीन जो है काम नहीं कर रहे थे तेरे ने बात की वही मैंने मशीन आपसे बच्चों की काम नहीं कर रहे काम से हम आपका मॉडिफिकेशन कर लेंगे ये अमूरा वाले भी आज मेरे पास आए थे तो मैंने अभी कुछ प्रॉब्लम बताई थी कि भाई अगर आप मेरे को ऐसा पढ़ देते तो मेरे अच्छा काम हो सकता है तो मेरा ये है आप लोगों यहाँ आए थे दूर से और इसको आपने चरदार कर दिया जनरली जो है कुएं के पास पे आता जाता है और मेरे बहुत कुछ भी हालत में काफी दिन से बीमार रहता है आपके बोरा जी ने मेरे को कहा तब मैंने तो पहले कहा कि वो इसको रजी आ जाएंगे मैं नहीं आ पाऊंगा क्यों मैं तीन चार दिन मंजिले से बीमार चल रहा हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगा फिर भी जब मेरे को मालूम पड़ा कि आप लोग है मेजर सप्लाई करते हैं मेरे पिक्चर को तो मैं अपने इसको रोक नहीं पाया और आपके बीच में आ गया आप लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दिया टेक्सटाइल है वार्कम है एलोवेरा है फेरस है नॉन फेरस है कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आपको कोई क्वेरी हो तो सर मेरा ये क्वेश्चन है आप गुआर गम के बारे में जो बता रहे हो गुआर गम को हम एमएचईसी या तो एचपीएमसी को रिप्लेस कर सकते हैं क्या जैसे कई साल पहले गुआर गम ही चल रहा था एमएचईसी एचपीएमसी आने के पहले बट अभी जो चाइना ट्रेंड हुआ है कि प्राइस काफी बढ़ गए तो उसको हम एमएचईसी पाउडर को गुआर गम से रिप्लेस कर सकते हैं और अगर रिप्लेस करेंगे तो उसका क्या प्रॉपर्टी कितना रह सकता है हैंडीक्राफ्ट में अभी तक सरफेस प्रिपरेशन और कोटिंग में सॉलिड बेस काम आ रहा है सॉलिड बेस तो उसको हम वाटर बेस बिल्कुल हमारे आरएनडी से निकल रही है वाटर बेस और हम दे भी रहे हैं पिछले 5 साल से आयरन का कोटिंग के लिए हम कोटिंग दे रहे हैं एक्चुअली क्या होता है जब आयरन में जैसे कोई वाइस के कॉन्टेक्ट आता है वाटर के कॉन्टेक्ट आता है तो उस पर रस्टिंग हो जाता है फ्लैश रस्ट कहलाता है तो उसके लिए इनहिबिटर डालते हैं प्लस इनहिबिटर डालते हैं और प्लस इनहिबिटर डालते हैं एक दो तरह के इनहिबिटर होते हैं एक प्लस रस होता है जैसे बीजेपी लोहा पानी के क्वार्टर में आता है तो इमीडिएटली रस आ जाते हैं और फिर एक लॉन्ग रन में रस आती है तो ये दो तरह के इनहिबिटर होते हैं एक तो प्लस रस करता है लॉन्ग रन के इनहिबिटर होता है तो वो आयरन पे हम हमारा ये एम लेके हम चल रहे हैं क्योंकि देखिए आज जिस वातावरण में सब जगह जो लोग मिलावट करते हैं खाने की चीज में मिलावट करते हैं तो हम उसको कितनी खराब निगाह से देखते हैं जो आदमी हमारी हेल्थ से खिलवाड़ कर रहा है हम लोग जो है कहते हैं कि साहब ये ऑपरेशन कर रहा है पॉजिटिव चीज बेच रहा है एडल्ट्रेशन कर रहा है जब तो हम भी एडल्ट्रेशन कर रहे हैं वो जो
आज भी जो एडल्ट्रेशन कर रहा है खाने पीने की चीज में एडल्ट्रेशन कर रहा है वो उसका उसको तो मालूम है ये एडल्ट्रेशन तो उसको जो यूज ही नहीं करता तो हम जो ये एडल्ट्रेशन कर रहे हैं एक्वस्ट करते हैं उसका तो हम अभी इसका तो मेरा तो एम ये है कि बहुत जल्दी मैं सब चीज को जो फॉरवर्ड कर दी बात कर देंगे ये गुड न्यूज में भी हो सकता है हां मतलब हम खरीद रहे हैं गुड न्यूज में खरीद गुड न्यूज में हां बिल्कुल गुड न्यूज में खरीद रहे हैं वाटर खरीद रहे हैं वाटर की लगा रहे हैं पहले इतनी बड़ी गार्डन टेक्नोलॉजी ये गुड न्यूज में वाटर के लिए इतनी बड़ी गार्डन टेक्नोलॉजी थी जैसे चीले वगैरह है बहुत गार्डन थे बाहर की जो कंपनी थी आज भी बेच रही है बाहर की कंपनी 400 रुपए 500 रुपए के लीटर को बेचती है हम बता रहे हैं उसको उसको आप लगा लीजिए हमारे लिए लगाइए बराबर होगा कोई फर्क नहीं मिलेगा ऐसे हम लेकर भी बना रहे हैं चीले जितना और कौन भी पोर्टेबल रहे अब आप देखिए लकड़ी के लिए बहुत अच्छा चल रहा है वाटर के लिए हमने सोचा ही नहीं वाटर के लिए कभी सोचा ही नहीं तो जब सोचते हैं तो रास्ता मिल जाता है अगर आपको सोचो भी नहीं तो रास्ता कहां से मिलेगा हम बना रहे हैं वाटर की लकड़ी के बना रहे हैं चीजें बना रहे हैं वाटर के लिए और बालों के रूम बनाने की वैसे मेरी जो नॉलेज ज्यादा नहीं है मैं बताऊँ मेरा तो ये वह सिर्फ एनक्रोचमेंट है वैसे कोठी बनाने वाले तो बहुत लोग बड़े एक्सपीरियंस है जिन्होंने बहुत डिग्री के लिए हमारे अशोक की बातों से आशीष बातों भी आए हैं ये लोग तो बड़े क्वालिफाइड लोग हैं बना रहे काफी अच्छा हो सकता है मेरा तो एक्सपीरियंस है थोड़ी सी नॉलेज नहीं है फिर भी प्रयास करता हूँ मूड को लेकर और भी काफी लोग हैं हमारे दोस्त में तो ये कोटिंग बनाने वाले बहुत हैं और भी प्रश्न हो किसी का थैंक यू मित्र सर अभी हम मीटिंग का शुरुआत करेंगे और कोई प्रश्न किसी का धन्यवाद सर आप लोगों ने मेरे सुना मैं आपका बहुत हेलो हम अभी मीटिंग की शुरुआत अष्टागन से करेंगे भारत वाते विदारा पंजाब सिंध उत्तराखंड चलवंदा जय हिमाचल यमुना चल जल दिगंबर चल शुभ नाम जयंती भारत माता की जय हेलो Thank you.
अभी हम मीटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगा गुजरात पेंट्स रॉ मटेरियल सप्लायर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चेतन भाई, प्लीज कम आउट। सेक्रेटरी कमलेश भाई, ट्रेजरर जिग्नेश भाई, कमेटी मेंबर दीपक भाई एंड पूर्विन भाई। Thank you all very much. अब मैं चेतन भाई को जो हमारे गुजरात पेंट रॉ मटेरियल सप्लायर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उसको वेलकम स्पीच के लिए आमंत्रित करता हूँ। मिस्टर चेतन पटेल, चेतन बोरा। Welcome to all delegates, all our invitees, paints manufacturers of Jodhpur and nearby. I am really very grateful to say that for our inspiration you came here. आप लोग सब जोधपुर से और आजू-बाजू से अभी कई लोग हैं on the way है। जैसे अभी माथुर साहब अशोक माथुर जी आ गए, दीपक माथुर है, राजीव है और लड़की है, वो सब आ रहे हैं और तो वे हैं। फिर भी हम लेट हो गए इसलिए हम प्रोग्राम चालू रखें। देखो हम गुजरात से, ये हमारा पेंट रो मटेरियल सप्लायर एसोसिएशन, आपने इस बार जीपी वो नाम तो सुना होगा, गुरु प्राप्त साहब का नाम शायद किसी ने नहीं भी सुना था, लेकिन पूरे इंडिया में एक ही एसोसिएशन ऐसा है हमारा गुजरात पेंट रो मटेरियल सप्लायर एसोसिएशन जो सप्लायर का एसोसिएशन है। और आपको एक सीक्रेट की बात बता दूं, ये माधुर साहब को तो पता है कि 2002 में या 3 में, केवल 2003 में इश्पा रीजन गुजरात और राजस्थान रीजन इश्पा एक जॉइंट अपने प्रोग्राम रखा था जैसल में, बराबर माधुर साहब, उस टाइम पर हम सप्लायर भी आए थे गुजरात से। फिर हम जैसलमेर में ईश्वर में ही हम बैठे थे, तो हमने सबको आइडिया किया, हमारे एसोसिएट पेंट के मालिक थे वो अभी हमारे बीच नहीं रहे, नरेंद्र भाई, उन्होंने बोला कि भाई आप लोग सप्लायर है, आपका भी कोई प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन के लिए क्या करते हो, उनकी एक एसोसिएशन क्रिएटिव बना दो। तो हमको हमने ऐसा सोचा कि नहीं बात तो सही है, इसलिए मैं ये स्पेशली राजस्थान की भूमि को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये सोच हमको यहाँ से ही मिली, सोच लगी कि अपना भी ऐसा रखे। शुरू शुरू में हमको हर्डल्स भी बहुत आए, हमारे पेंट्स एसोसिएशन वाले बोलते आपको क्या जरूरत है, आपका क्या प्रॉब्लम, लेकिन हमने सोचा था कि धीरे धीरे हम हमारा एसोसिएशन बनाए। आपको नहीं मालूम है आज की तारीख में 130 मेंबर्स हमारे गुजरात में है, ये हमारा भी हमारा एक्स्ट्रा भी 2000 के में हुआ था, आज हम मेलन हो गए 1800 लोग हैं एसोसिएशन का। अच्छा आपको गुजरात पेंट रॉ मटेरियल सप्लायर एसोसिएशन की जो हमारा मोटिव है ये आपको बता रहा हूं, पेंट्स वाले ने हम सब सप्लाई किए बराबर, हमारे अंदर कई सप्लायर है छोटे बड़े से सब सप्लायर है। अभी पेंट्स वाले को क्या है, सब आप पेंट्स वाले हैं, पेंट्स इंडस्ट्री से डालना अभी बहुत इजी हो गया, क्यों, क्योंकि 8-10 लाख में मशीनें भी आ गई, रो मटेरियल आपके 100-150 रो मटेरियल, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से सब रो मटेरियल वाले क्रेडिट पर मात ले जाते हैं, इसे किसी को भी फैक्ट्री चालू करना बहुत इजी बात है। अच्छा ये अभी सब ऐसे नहीं है जो नए चालू करते, ऐसा नहीं है सब और हो जाते हैं, लेकिन माल सब देते हैं मार्केट में, आप अच्छे जो लोग हैं जो अच्छे पेंट वाले काफी टाइम से पेंट सीन में चला रहे, तो उनको क्या तकलीफ पड़ती है, मैं बोलता हूँ कि ये सब कॉम्पिटिटर नए नए खड़े हो जाते हैं, 2001 से 20 साल में तो कई लोग खड़े हो गए, कई लोग बंद भी हो गए, वो लोग मार्केट में उनको टिकना है
वो क्वालिटी तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो छोटे बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आपको हर्डल्स क्यों बनते हैं? तो वो माल कहाँ भी दुकान में होता है वो कितने में देता है, फलाना कितने में देता है, 130 में 100 में देता हूँ, वो लोग माल फेंकते हैं। अच्छा वो लोग तो कैसा है ना, जितना प्रॉफिट जितना सेल उतना प्रॉफिट देते हैं, उनको आखिर में सप्लायर को तो पैसा देना नहीं, मार्केट में आपको हर्डल्स बनना है। तो नुकसान ही किसको है, सप्लायर को है, और पेंट जो अच्छा चला रही है सालों से उनके लिए भी नुकसान ही है, ऐसी ऐसी कॉम्पिटिशन खड़ी हो जा रहे और उनको किसी सप्लायर को पैसा देना नहीं, तो नेचुरली वो माल मार्केट में सस्ते बेचेंगे। इसीलिए हमको ये हर्डल, आपके लिए भी हर्डल थे, हमारे लिए भी हर्डल थे, इससे हमने एक एसोसिएशन भी एस्टैब्लिश कर लिया। हमारा पॉजिटिव अप्रोच है, हमारे जितने मेंबर्स है आप आज की तारीख में हमारे एसोसिएशन की एक भी हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है, किसी भी कंप्लेंट पेंडिंग है, जो भी कंप्लेन आती है हम सॉल्व करते हैं। और हम देखते हैं ज्यादातर कंप्लेन में ईगो होता है, थोड़ा मंदुक होता है, वो सब होता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम समझाते हैं, हम पेंट्स वाले में बोलता है क्योंकि तेरे सप्लायर से क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों उसको पैसा नहीं देता है, तो सबको बोलते हैं कि सप्लायर से ये प्रॉब्लम, हम सप्लायर भी बोलते हैं, उनका भी फॉल्ट होता है, उनको भी बोलते हैं, और पॉजिटिव अप्रोच करके हमें सॉल्व करते हैं। इससे हमारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, हमारा एसोसिएशन आज की तारीख में कि कोई पेंट्स वाला भी हमसे नाराज नहीं है, या हमारे सप्लायर्स भी ज्यादा नाराज नहीं है सर पेंट सीरियल से, पर हमारा मोटिव यही था कि जो फ्रॉड के हिसाब से पेंट्स लाइन आते हैं जो नए मैन्युफैक्चरर्स, उनको आपसे बचाना, सप्लायर को बचेंगे लेकिन आपको भी बचाना। अगर देखो कि कोई हमारा सप्लायर कंप्लेन करे 6 महीने के बाद ही करता है, पहले तो कोई करता नहीं, क्योंकि मार्केट का सिग्नल के 6 महीने तक पैसा भी शायद नहीं भेजे, 6 महीने के बाद हम पूछते हैं कि भाई ये पैसा क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो दूसरे से काम करता है, मेरा पैसा नहीं देता, तो हम उसको बुलाते हैं, उसके साथ थोड़ा समझ करते हैं कि भाई तू इसका पैसा क्यों नहीं देता है, तो बोलता है कि ऐसा है वैसा है फला है, फिर हम उसके दूसरे सप्लायर को बोलते हैं ये पार्टी कैसी है, फिर ज्यादातर बोलते हैं कि पार्टी है ना ऐसा, यहाँ से वहां वो घूमती है, तो हम उसको वार्निंग देते हैं कि तू इसका पैसा नहीं दे दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर वो भी नहीं देता है तो मैंने उसको मोशन लिस्ट में रखा और सब सप्लायर को हम बोल देते हैं सर्कुलर हमारा घूम जाता है क्योंकि इस आदमी से हैंडल मिल गया, ये पार्टी का पैसा बाकी देता नहीं है, आप उससे हैंडल मिल गया काम करना। और अगर ज्यादा हो तो हम उसको बोलते हैं कि कोई भी रूम मटेरियल सप्लायर इसको पैसा माल नहीं दे कैश में या क्रेडिट, तो उसको अगर पेंट इंडस्ट्री में रहना है आप लोग को भी हर्डल नहीं बनना है तो वो अच्छी तरह से काम कर सकता करेगा हमारा पैसा देंगे। इसे हमारा मोटिव कोई नेगेटिव है नहीं, हमारा टोटली गुजरात पेंट रूम मटेरियल सप्लाई एसोसिएशन पॉजिटिव है, हम इस बार वहां पे गुजरात टीचर है, हमारा जीपी है गुजरात पेंट एसोसिएशन, वो सबके साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, इसीलिए हमें कोई तकलीफ हमारा एसोसिएशन के लिए कोई नेगेटिव भी बोलेगा कि ये काम सा ऐसा है वैसा, लेकिन हमारा टोटली पॉजिटिव अप्रोच है। और मैं तो हमारे सप्लायर भाई सबको बोलता हूँ कि राजस्थान की भूमि ऐसी है, वहां अगर शायद हो सके तो डीले होगा, लेकिन कोई पैसा ले जाने वाला है नहीं, मैं ये इनको मैं इतना मेरा मेरे जोधपुर राजस्थान को मेरा घर है, मैं यहाँ आप लोग सभी से मैंने काम किया है, इसे मैं उनको आपके बदले में इंश्योरेंस देता हूँ कि आपके पैसे कहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन राजस्थान की भूमि ऐसी है वो गुजरात के नजदीक भी है और ऐसा आपका पैसा कहाँ भी नहीं जाएगा, आप फ्रीली धंधा करो राजस्थान में, किसी को भी बिजनेस करो फ्रीली करो। अच्छा दूसरी बात, गुजरात पेंट रॉ मटेरियल सप्लायर एसोसिएशन, ये हमारा काम है, मेन मोटिव यही है कि हमारे सप्लायर को फ्रॉड वाले पेंट सिंडिकेट वाले से बचाना, बाकी कोई हमारा दूसरा मोटिव मेन मोटिव। और फिर हम क्या करते हैं, साल में गेट टूगेदर भी करते हैं, हमारे कई 3-4 प्रोग्राम भी ऐसे हुए, हमने सेमिनार किया है, करीबन 400 पेंट्स वाले को गुजरात से हमने बुलाया है, सेमिनार कराया और पूरा पूरा दिन हमने उनके साथ बिताया है, और साथ में हम ऐसे पिकनिक करते हैं, बिजनेस ट्रिप करते हैं, गेट टूगेदर करते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करते हैं, यानी कि हम हर तरह के प्रोग्राम करते हैं। और आज की तारीख में हमारे एसोसिएशन में 128-130 मेंबर हो गए, ये हमारा प्राउड है। और दूसरी बात, ये गुजरात में
अपने सप्लायर्स पूरे इंडिया में एक ही। अभी लास्ट टाइम हमारे रणवीर भाई ने उन्होंने हमको एक आइडिया दिया कि अपने नेशनल लेवल पे जा रहे तो कैसा, इसलिए मैंने बोला ट्राई करते हैं नेशनल लेवल पे अपने मेंबर हो गए तो बहुत अच्छा। तो उन्होंने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप ग्रुप और मोर देन 250 रो मटेरियल सप्लायर्स वाले जो पूरे इंडिया में उनका ग्रुप बनाया और उनके सामने हमारा ग्रुप प्रमोशन का मोटिव और हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वो सब बताया उन्होंने। और लास्ट एजीएम हमारी हुई थी तो हमने ये भी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके हमने डिसीजन लिया कि पूरे इंडिया में से कोई भी सर्व मटेरियल सप्लायर वाला हो वो हमारा मेंबर हो सकता है। और इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद करीब 5-6 मेंबर तो स्टार्ट हो गए बन भी गए। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम अभी पूरे इंडिया लेवल से भी जो भी रो मटेरियल सप्लायर है उनको हमारा मेंबर बना सकते हैं। और दूसरी मेरी बात यह है कि आज इतनी अभी कोई 5-6 दिन बाकी है, आप फ्रेंड्स वाले सब हमारा मान रख के आप इधर आए, अपना आपका आज रूटीन दिया था रूटीन दिया था, आपको तकलीफ भी पड़ी होगी लेकिन एक टाइम पर मेरा ऐसा सोचना था कि सप्लायर और फ्रेंडशिप वाले मिले और आपस में इशारों की आपने अपनी प्रोडक्ट की किसी को कोई डिमांड हो किसी को एक दूसरे को पहचान नहीं हो तो भी पहचान है, इसलिए मेरा ये मस्तर था और आपके साथ साथ मिलना था। इसलिए गुजरात पेंट रो मटेरियल सप्लाई एसोसिएशन की ओर से मैं सबका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ और आपको मैनुअली थैंक्स फ्रॉम गुड प्रॉफिट सर। थैंक्स अपने सेक्रेटरी मिस्टर कमलेश पटेल को मैं इनवाइट करूंगा कि मीटिंग का रोल जो सब लोग हैं। हेलो वी आर गुड रामसानी गेट टू ग्रेटर आपके जोधपुर के अंदर हमने आगे किया है और हमारा आमंत्रण को आपने मान रखा है और जो इनवाइटेड गेस्ट हैं वो आए हुए, तो आज के सामने आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी इस फॉर्म विदेश की है, बाद हम सब लोग एंटरटेनमेंट करेंगे, वो सभी प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। जोधपुर की टीम हमारी टीम में स्वागत माटे आई है तो चेतन भाई हमारे सेक्रेटरी है कमलेश भाई, कमलेश भाई ट्रेजरर विघ्नेश भाई कमेटी मेंबर दीपक भाई एंड पुरविन भाई अभी एक मिनट दो आर बचे हैं तो हमारे स्पॉन्सर जो दो मिनट को अपने आप ही आर पहन ये सुरेश भाई ने दो बहन को ऊपर ही आर पड़े थे तो क्या पहन रहे थे फोटो दिखा रहे थे फोटो
Thank you, Jodhpur team. Thanks. अबे इंट्रोडक्शन बता पुत्र आपसे स्टार्ट कर इंट्रोडक्शन लेकिन यह परिचय था बता ना इंट्रोडक्शन बता पुत्र बता उबिल आ फिर हो गया हमारा भी स्टार्ट कर तू है इसको नोट कर तुम अभी अपना एक इंट्रोडक्शन नाम दे लेंगे जो आपको भी पता चलेगा कौन क्या कर रहा है किसका नाम क्या है तो अपने चेतन भाई से स्टार्ट करेंगे हेलो ये इंट्रोडक्शन इसीलिए रखते हैं कि सब सप्लायर है कोई कौन क्या बनाना है तो आपको भी पता चले और प्रिंस इंडस्ट्रीज वाले जो आए हैं जोधपुर से उनको भी हमारे सप्लायर जो नहीं पहचान थे वो भी पहचान सके अभी मैं मेरे से स्टार्ट करता हूँ आई एम चेतन वोरा मैन्युफैक्चरर ऑफ तीन कंटेनर्स नौकर कंटेनर्स रविरा हाईटेक कंटेनर्स अहमदाबाद हेलो माय नेम इज कमलेश पटेल माय कंपनी नेम इज सुपर एंटरप्राइजेस और मैं अहमदाबाद में केमिकल ट्रेडिंग करता हूँ मैं एक दो पार्टी को ट्रेडिंग करता हूँ वो आइडियल पेंट्स है और लक्ष्मी पेंट मैं इनको जानता नहीं हूँ उनसे बात करता हूँ मैं इनको सिरामिक बॉल सप्लाई करता हूँ फुलमून इंडस्ट्रीज सिरामिक तो आए हुए आइडियल कोटिंग से लक्ष्मी पेंट दोनों नहीं आए ओके थैंक यू थैंक यू मायसेल्फ दीपक शाह फ्रॉम नेवी इंडस्ट्रीज अहमदाबाद We are an authorized dealer of Naira Energy Limited for their MTO products. We are also dealing in Vixine, C9, imported C9, also Opel C9, and Hexin. Thank you very much. Hello, myself Jignesh Patel, Polygon Crash Manufacturing of Plastic Containers. Myself Kusin Sa from PK Enterprises Ahmedabad and we are into the specialty additives for the surface coating. Myself Pratik Vora from Shriraj Metal and Chemical Industries. We are manufacturing MS drums basically used in the paint industry, ink industry, adhesive industry and specialty chemicals. Thank you. Hey, introduction is clear. Hey, aap- मिट्टी के बाद भी आप कोई आपके काम का बंदा है तो आप खेल सकते हैं सूरज माय नेम इज सूरज पटेल फ्रॉम नीता इंजीनियरिंग अहमदाबाद वी आर मैन्युफैक्चरिंग पेंट मशीनरी एंड केमिकल एंड ऑल रेजिन प्लांट्स माय नेम इज सूरज पटेल क्लासिक पेंट पेंट पर बनाओ फिर रॉ मटेरियल पर सप्लाई करूंगा हिंदी जवाब मतलब हिंदी नमस्कार मित्रों मेरा नाम हरीश चौहान है मिनरल मास्टर अहमदाबाद माइक्रोनेट मिनरल्स एंड एक्सटेंडर्स मैन्युफैक्चरिंग थैंक यू मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स इन द नेम ऑफ रेनबो पेंट्स एंड केमिकल प्राइवेट Myself, Lalit Mohan Singhi, and we are manufacturing paints, all kinds of paints, and we are in the business for quite some time now. And we are in touch with quite a few of our players from Gujarat, including Polygon Plus and Chetan Bhai. So all the best to all of you. Thank you. विल्सन पेंट इंडस्ट्री जोधपुर थोड़ा सा जो गुजरने के क्या कहते हैं अमूरा जी मुकेश अमूरा अच्छी तरह जानते हैं मंडी भाई नहीं जानते हैं और ये सब भी जैसे हैं ब्राउन पेंट्स फार्मर्स हैं वाटर बेस और सॉलिड बेस दोनों में काम कर रहे हैं और मैं इस लाइन में 1985 हूँ मेरा नाम सुदीप माथुर है मैं एमजीक्यू जोधपुर से हम वाटर बेस और सॉलिड बेस पेंट कर मायसेल्फ दिलीप कुमार आई हूं माय फर्म इज अजंता केमिकल इंडस्ट्री वी आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल बेस पेंट एंड वाटर बेस नहीं इधर नहीं
My name is Vikas Patel. I would have been qualified for paint jelly manufacturer. My name is Akshay Kondekar from Rapid Chem Corporation. We are dealing in specialty chemicals in paint and construction chemicals. Thank you. Myself is Rasid Parikh from Dyson Private Limited from Mumbai. Basically, we are manufacturing very innovative products like pigment, fine paste for the water-based decorative and architectural paints. Thank you. Hello everyone, this is Suraj Goyal. So I am a doctor, they talk about me, this presentation, so I started. So as you know, the Martha chemicals, we manufacture mostly energy chemicals for handicraft. That's the first one, on my side of the team, okay, this would manufacture all types of LPG standard on this. If you are My name is Param Singh Rajpoy, Vartman Chemicals. मैंने रेवाड़ साहब के बाद रेनबो पेंट में 13-14 साल सेल्स का काम किया. अभी मैं खुद का काम कर रहा हूँ 12 साल में. अभी वाटर बेस्ड पेंट बनाता हूँ इमल्शन प्राइमर सिस्टम पर. मैं We are the industrial seed manufacturers and the chemical process pump, just like process center pump and lab. Myself, Pankaj Harsora from Marshall Engineers, Ahmedabad. We are manufacturing all type of paints, printing inks, and pigment emulsion manufacturing machineries. Thank you. Sir, Manish Shah, Infrastructure Sector, Ahmedabad. We are drilling chrome pigments, dryer, and titanium. Good evening, both. Myself, Dr. Richard Siravi, NK Enterprise. We are dealing mainly into water-based paint, raw materials. We are authorized distributor for PDRI Industries, Chiripal Industries, Potex Plants, Gonza, USA. Thank you. Myself, Hari Patel, and our company name is Rapid Chem Corporation. We are dealing specialty chemicals and titanium for the paint industry, ink industries, and many more. Thank you so much. Hello everyone. Hello everyone. Myself Vijay Patel. We are manufacturing मैं मयंक परीख हूँ. मैक्रोपॉलीमर हमारी कंपनी है. हम हर तरह के रेजिन्स बनाते हैं. We also provide mineral solutions for matte, glossy, and all types of water based. गुड इवनिंग. मेरा नाम स्वप्निल ठाकर है. एस बी पॉलीमर से हम लोग सी एन एस ए रेजिन बनाते हैं फॉर इंडस्ट्रियल पेंट्स. थैंक यू. हाय सर, कंपनी सभी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अहमदाबाद. वी आर मैन्युफैक्चरिंग पेंट कंटेनर्स. गुड इवनिंग. आई एम सतीश पटेल फ्रॉम कौशल टेक्निकल्स. We are the importer of calcium carbonate and also provide micronized calcium carbonate locally. Hello, good evening to all. I'm Manoj Patel from Camson Trading. We are basically dealing in paint chromat. Hello, good evening to everybody. I'm Jita Shah from Future Industry of Karwa. We are basically dealing in aluminum paste and gold rose powder. हेलो
मेरा नाम कान्हा चौधरी और राहुल केमिकल मैंने बैंक ऑफ सिनर ऑल देयर अच्छा शॉर्ट है शॉर्ट है नोट सब ले शॉर्ट सब ले मैं नेम इज दीपक माधव फ्रॉम द कलकत्ता प्लेस एंड फ्रॉम ऑल देयर सभी पे बात के गुड इवनिंग भट्टर मंगलदीप इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ Hello, my name is Sanjay Kumar Gupta from Alliance Way, manufacturing all the equipment. Today, my answer. Company का नाम इंडियन इंडस्ट्री ऑल द टाइप ऑफ वाइल्ड लॉस फ्रेंड मैन्युफैक्चर थैंक यू फॉर नंबर्स मेरा नाम विप्रो पटेल है कंपनी का नाम है एंजल कोटिंग बेसिकली वी आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोटिंग्स प्राइमर स्पूटी एंड एनसी प्रोडक्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ स्किनर्स थैंक यू और हमारा टैगलाइन है एंजल कोटिंग आजकल और हमेशा थैंक यू अभी मैं अपने दोनों स्पॉन्सर जो है नीता इंजीनियरिंग सुरेश भाई और अमोरा मुकेश भाई उसमें से पहले नीता जी ने सुरेश भाई को इनवाइट करूंगा कि अपनी कंपनी के बारे में दो एक पांच शब्द है बोले आइए सुरेश भाई यहाँ से आइए सर ओके अभी इसमें थोड़ा टाइम लग गया ऐसा है तो मैं मुकेश भाई को इनवाइट करूंगा अमूरा पॉलीमर्स को तो वो अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सबको बताएं गुड इवनिंग एवरीवन यहाँ उपस्थित जोधपुर के सभी पेंट्स मैन्युफैक्चर एंड केमिकल मैन्युफैक्चर और जो अहमदाबाद से गुजरात से आए हुए पंखा के सदस्य को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं डायरेक्टर ऑफ अमूरा पॉलीमर्स हमारी कंपनी अहमदाबाद 17 में आई हुई है और ऑल टाइप ऑफ पेंट्स में रेजिन मैन्युफैक्चर होती है हमारी कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी 800 टन पर मंथ की है और लगभग इंडिया के सभी राज्यों में सप्लाई करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं और सभी के टेबल पे हमारी कंपनी का लिटरेचर रखा हुआ है जो भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो हम और हमारा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट संजय पटेल आए हुए हैं तो उनसे बात कर सकते थैंक यू अभी नए मेंबर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जब तक सुरेश भाई का तरुण सिंह जी अरियल पेंट इंडस्ट्री जोधपुर नमस्कार सादर वंदे राजेंद्र राठी आईटीएल कोटिंग इंडस्ट्रीज जोधपुर गुड इवनिंग दीपक माथुर गुरु पेंट्स
सूरज दिन खाने जा रहे हैं चालू जब तक हम गाड़ी को बंद नहीं हेलो हाँ सही है अक्षय सुना मैम हेलो राजेंद्र राठी आइडियल कोटिंग वो स्वागत करेंगे चेतन भाई का चेतन भाई ये तो हमारे जोधपुर पेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से जोधपुर वालों की तरफ साथ है कोई अलग अलग नहीं है नहीं साथ में अपने साथ में आ जाइए चेतन भाई सेक्रेटरी और ट्रेजरर इनों का आपने स्वागत करेंगे सभी मेंबर अपने खड़े हो जाएंगे थैंक यू जोधपुर टीम अभी नीता इंजीनियरिंग सुरेश भाई गुड इवनिंग फ्रेंड्स पेंट एसोसिएशन जोधपुर मैं सुरेश पटेल फ्रॉम नीता इंजीनियरिंग अहमदाबाद से हूँ हमारी कंपनी ओडो अहमदाबाद में पेंट मैन्युफैक्चरिंग की मशीन बनाती है रेजिन के प्लांट बनाती है और मशीनरी बनाती है मैं मेरे कंपनी का वीडियो एक प्ले करूंगा जाना
मेरे को आनी पार्टिसिपेंट को 6-7 जना छे पर हमने सो कर जूम थ्रू यानी यूट्यूब से लिंक आने पर लाइव मेन यूट्यूब पर आपने हमनो थैंक्स आपा અને એ લોકો આપણે એના મેગેઝિનમાં આપણા પ્રોગ્રામ વિશે આર્ટિકલ આવતા. ओके
सुरेश भाई की आवाज लेट से पहुंची लेकिन गलत ये मेरी फैक्ट्री अहमदाबाद ऑटो में आई है और पेंट की मशीनरी बनाती है। ये मेरे फादर ने स्टार्ट किया था 1986 में किया था। 15 साल से मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ। नंबर हम पेंट और रेजिन मैन्युफैक्चरिंग का पूरी रेंज इस इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं और क्वालिटी के साथ में काम करते हैं। हमारी फैक्ट्री है अहमदाबाद में और ये सब इधर मशीन बनता है। ये बिडमिल है, लेफ्ट बिडमिल है, 50 लीटर लेफ्ट इक्विपमेंट है, 50 से 100 500 लीटर की बनती है मशीन। ट्विन बिडमिल है, ट्विन शाफ्ट मिक्सर, वर्टिकल बॉल मिल है, एक्टेटर है, स्मॉल एक्टेटर है, लेफ्ट हाइड्रोलिक है, लेफ्ट हाई स्पीड है, चेन पुली है, उसकी मशीनरी बनाता हूँ। रिएक्टर है, पायलट प्लांट है, कंडेंसर है, स्टोरेज टैंक है, मिक्सर मशीन है, वेल्डर है, प्रोसेस रेजिंग क्लस्टर है, काफी और इक्विपमेंट है। मेरे यूनिवर्स कस्टमर है, ये मेरी टीम है, मेरे फैक्ट्री का एड्रेस है। थैंक यू। एक मेरा रेजिन प्लांट का वीडियो बना है, मैं रेजिन प्लांट बनाता हूँ उसका वीडियो है। Thank you.
हेलो सुरेश भाई, अभी एक काम करेंगे, अभी बाद में एक वीडियो चला लेंगे, लास्ट में ये लास्ट एक की वीडियो है ना, तो लास्ट में चला लेंगे। ओके थैंक यू। अभी हमारे बीच एक मोटिवेशनल स्पीकर सुधीर भाई चौधरी हमारे बीच है, तो मैं उसको इनवाइट करना चाहूंगा अपनी। थैंक यू मिस्टर सुधीर भाई। और सुनील भाई का स्वागत मुख्य से करेंगे मिस्टर अशोक भाई माथुर मधुबन मधुधर पेंट। Thank you very much, President, Secretary of Gujarat Paint Draw, Majors and Bass, the Paribar Milro, Paribar Park Among the Apsis, मुझे अब सबके नाम ध्यान नहीं है, तो उसके लिए एक माफ कर दो। आप सभी का जोधपुर में स्वागत है। केम छो मजा में लगना चाहिए ना, मजा में जब पूछते हैं केम छो, तो मजा में लगना चाहिए कि दिल में मजा आ। तो आपने जैसे सुना कि मोटिवेशनल स्पीकर है, तो आपको लगा हुआ कि बहुत लंबा चौड़ा भाषण होगा, वैसे मुझे पूरे पूरे दिन बोलने की आदत है। और आज सुबह भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वर्चुअल सेशन जो है लास्ट सेशन था वर्चुअल में, क्योंकि उसके बाद हमारा फिजिकल सेशन शुरू हो रहे हैं। पिछले डेढ़ साल से क्या होता है कि सेशन के लिए आधा ही तैयार हो, आधा तैयार का मतलब आप समझ ही गए, यानी कि ऊपर तक तैयार होना है जितना दिखते हैं वहां तक तैयार होना है, उसके बाद आपको अच्छे तैयार होने की जरूरत नहीं है। तो मेरे लेदर शूज भी जो है पिछले डेढ़ साल से पैक हो रहे थे, क्योंकि जितने सेशन हो रहे हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन हो रहे हैं और अब फिजिकली शुरू हुए हैं। तो आज वाला लास्ट वर्चुअल सेशन में लेकर आज वो भी 3 घंटे का सेशन था, तो अब मैं 3 घंटे का तो लेने नहीं जा। तो क्या चाहते हैं आप, भाषण दो या कुछ एक्टिविटी करें, मजा आए, कुछ ऐसा लगे कि बैठे बैठे नहीं लग रहा कि बोर हो गए, ऐसे आदत है पूरे दिन ऐसे चेयर पर बैठे रहने की। पहली बार बैठे थोड़ा सा अपन बाहर निकलते हैं। एसोसिएशन की बात कर रहे हैं कि एसोसिएशन है एक दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं। आपके चेयरमैन साहब का भाषण सुन रहा था और वो ये बता रहे थे कि एसोसिएशन को फॉर्म किससे किया गया है, किसने फॉर्म किया गया है, जो ये बात बता रहे थे उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा। मुझे 4 लोग चाहिए जो थोड़ा सा यहाँ पर आके एक्टिविटी में शामिल हो सके, है ना, थोड़ा सा आपके एज ग्रुप के हो, आप आ जाओ, चेयर लेके आना पड़ेगा यहाँ पर, अपनी कुर्सी यहाँ पर खुद ही लानी पड़ेगी, आगे तो पहले उसको देखना पड़ेगा। और बताइए कौन आना चाहेगा, वॉलंटियरली कौन आना चाहेगा। अभी आप कह रहे हो बैठे बैठे बोल रहे, थोड़ा सा आप आएंगे, आप थोड़ा सा मान लिए अभी वाले बैठे बैठेंगे। और कौन आएगा, कहाँ पर है, आ जाइए दोनों आ जाइए। गुजराती गुजराती
गुजरात में ननिहाल भी है ससुराल भी है। ओके अभी हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कि एसोसिएशन कैसे काम करता है, ठीक है ना। अभी हमको एक एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी थोड़ी डिफरेंट होगी और आपको मैसेज मिलेगा। आप क्या करते हैं, आप यहाँ बैठे मूस्टर प्रोफेसर चेयर ऐसी रहेगी, आप यहाँ बैठे मूस्टर प्रोफेसर आपको यहाँ कुछ समझ में आ रहा है, अभी के चार लोग हैं या आपका एसोसिएशन में फॉर्म कर रहा हूँ, हमको चार लोगों को चार चेयर की जरूरत पड़ रही है, चार लोगों को चार चेयर की। अभी हम देखते हैं क्या काम से काम चल सकता है क्या, चार लोग चार चेयर सही है, कम चेयर से काम चल सकता है क्या, एक दूसरे सपोर्ट करने में कुछ हो सकता है क्या। अभी क्या करना है, आपको थोड़ा सा चेयर पीछे लेके अपने आपको थोड़ा सा पीछे लेके थोड़ा सा आपको अपना पूरा भार इनके पांव पे डालना है, देख जाइए आपको इनको संभालना है, ये संभालेंगे। आपको आपको अपना कार्य किया, आप ले चाहिए ये संभाल ये सब और आप आरंभ आरंभ चार जगह है, चार चेयर और चारों लोग कनेक्टेड हो गए एक दूसरे से, एक चेयर रिमूव करूंगा थोड़ा सा अपने पांव पे भरोसा है ना। अब देखिए चार लोग ये तीन चेयर, देखिए एक चेयर कम होगी तो भी काम चल रहा है ना, अभी एक चेयर और कम कर थोड़ा सा, नहीं नहीं आराम से कुछ नहीं होगा, तुम पूरे तो किया हो आगे डालो, नहीं नहीं करो 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 होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करो। चार लोग हैं, दो चेयर, काम चल रहा है ना, चल रहा है, नहीं 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 आपको चार लोग समय यह सिंगल चेयर, चार लोग और एक चेयर चल रहा है ना। अभी इस चेयर पर मैं रिमूव कर सकता हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ। अरे अरे बैलेंस करो, आराम से करो, हो जाएगा। नहीं यूनिटी दिखाओ, अभी अभी आपका यूनिटी दिखाओ। गुड जॉब, चार लोग थे, एक भी चेयर नहीं थी, थोड़ी देर तक एक दूसरे को संभाल सकते थे। पहले एज्यूम किया था कि ऐसे होगा, चारों चेयर हटाने के बाद भी लोग रुक पाएंगे थोड़ी देर के लिए, तीन चेयर हटाने के बाद तो रुक ही रहे थे, पर चार चेयर हटाने के बाद रुक जाएंगे, सोचा नहीं था। एक चेयर हटाने से भी काम चल गया, दो चेयर हटाने से भी काम चल गया, तीन चेयर हटाने से भी काम चल गया और चार चेयर हटाने से भी काम चल गया। जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो कुछ ऐसा होता है। अभी क्या मुझे आज इन्विटेशन आया तो ऐसा मुझसे पूछा कौन सा टॉपिक लोगे, मैंने ये टॉपिक लेंगे, तो मुझे ये आगे पता चला कि लोगों को पता नहीं है क्या टॉपिक होगा, तो मैंने कहा मेरे हाथ में लिबर्टी है, लैपटॉप को थोड़ी देर आराम देते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा कई होता है टॉपिक जब पहले कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सारी बातें होती है। आई वॉज इन्वाइटेड इन जयपुर 2 days रेजिडेंशियल वर्कशॉप, अब एक दिन पहले पहुंच रहा था, होस्ट का फोन आया एक दिन पहले आ रहे हो,
एक प्रोग्राम और रख लें शाम को, मैंने कहा रख लो 2 घंटे का रख लो, अगर खाना वो लोग खाएंगे तो जो बोलेंगे करना ही पड़ेगा ना शाम को जा रहे हो, तो बोला ठीक है। तो फिर वापस वहां आया, 2 घंटे का जगह 1 घंटा कर ले, लोग कह रहे 2 घंटा ज्यादा होता है, ठीक है। अब हमारे साथ ऐसा होता रहता है कि लोग कहते हैं 1-2 घंटा नहीं सुनेंगे, 1 घंटा सुन ले। फिर बोला उसको थोड़ा और करते हैं, 30 मिनट्स का करते हैं, जैसे आज भी मुझे बोला 30 मिनट्स बोलना है, ठीक है 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स कर दीजिए। तो बोला सर टॉपिक क्या होगा, मैंने कहा बट ऐसा करते हैं लाइफ चेंजिंग पे बात करते हैं, हाउ टू चेंज योर लाइफ इन 30 मिनट्स, ठीक है कर दिया। आई वेंट टू जयपुर, ऐसे 4-स्टार होटल प्रोग्राम था, आई वॉज सिटिंग ऑन द डेस्क पे बैठा था, पहले वाला मुझसे पहले का एक स्पीकर था वो बोला, फिर मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बारी आई, सो मिस्टर सुशील चौधरी, मेरा नाम भी मैं सही कर दूंगा, सुशील भाई से याद करता, तो सुशील चौधरी का नाम सुनील है, तो बोला मिस्टर सुशील चौधरी फ्रॉम जोधपुर, अनाउंसमेंट हुई, थोड़ा लोग आगे आगे यहाँ सुनने के मेरा मजा आएगा, यार तो जानते भी है मेरे को, इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है उनको सुनने में, बोला नहीं बहुत बढ़िया मजा आएगा, बता लोग आगे आने आगे आके बैठे, मैंने होश को थोड़ा से बिल्कुल पास बैठा, टॉपिक पहले से दिया हुआ नहीं है तो हम थोड़ी सी बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बियॉन्ड बैरियर, थोड़ी सी बात करेंगे बहुत लंबी नहीं। अभी हमने देखा बियॉन्ड बैरियर एक दूसरे सपोर्ट कर सकते हैं, हमने जो सोचा था उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी स्कूल का टाइम थोड़ा बहुत याद होता था आपको, एक्टिविटी मिलती थी क्लास के अंदर, तो इंसान सीखता था वह जब वो बच्चा होता है, जब उसको कुछ ऐसे काम दिया जाए बच्चे जैसा, और सबको राइटिंग पैड भी मिल गया, पेन भी दे दिया, किसी ने कुछ दिखाई नहीं तो कुछ करते हैं छोटी सी एक्टिविटी। और आप देखिए आपका बिजनेस जो है एक बाउंड्री से बाहर कैसे जा सकता है, एवरीवन इज बिजनेस एंटरप्रेन्योर। एक बहुत डिफिकल्ट टाइम था पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, 1.5 साल कैसे निकाला है आप लोगों को लगा हुआ है, कितना खतरनाक टाइम चल रहा है, फिर भी हम सर्वाइव कर गए, फिर भी हम लोगों के अंदर जज्बा है, तो हमने थोड़ा सा आउटसाइड द बाउंड्री जाके काम किया। ये 9 डॉट्स है, इन 9 डॉट्स को क्या 4 लाइन से काट सकते हो, आपका राइटिंग पैड है पेन है मिलकर भी सोच सकते हैं, हर टेबल वाले आपस में भी सोच सकते हैं, क्या इन 9 डॉट्स को आप 4 लाइन से कट कर सकते हैं। लाइंस कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक लाइन क्यों खींची और घूमे, 9 डॉट्स 4 लाइन्स। और जब सीखते हैं तो बच्चों को भी सीखना पड़ता है, 9 डॉट को काटना है 4 लाइन से काटना है, कोशिश करिए। तो कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में नए आइडियाज आएंगे। एनीवन 9.4 लाइन, कितनी लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 डॉट्स 4 लाइन्स, 9 कंटिन्यू होनी चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ द लाइन्स। और कोई जना9 डॉट्स 4 लाइन्स 5 लाइन्स है 1 नहीं 8 डॉट रह गया आपका अभी 2 डॉट रह गए जो आप तुमका क्या करेंगे 9 डॉट्स 4 लाइन्स कंटिन्यूटी कहाँ है 9 तो ब्रेक हो रही है ये तो अलग अलग लाइन होनी चाहिए ना, लगातार होना चाहिए, लाइन बीच में टूटनी भी चाहिए। कोई पीछे से ट्राई किया है किसी ने, एनीवन? ओके पीछे है कोई जना, एनीवन बैक साइड किया, कितनी लाइन हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भी काम चल जाता है, पर तो 4 चाहिए, नहीं नहीं, हाँ बताइए,
हुआ गलत है, अलग अलग लाइन से किसके हो गया। अब आपको रीजन बताता हूं कि जो चीज हो सकती, किसने किया रीजन बताता हूं कि जो चीज हो सकती है उसको हमने क्यों नहीं कर पाए। जैसे ही मैंने बोला 9 प्लॉट्स 4 लाइन, हमारा जो दायरा है कि यहां तक रह गया, ये 9 प्लॉट्स तक रह गया, हम लाइन को उसके आगे नहीं लेके। 9 प्लॉट्स 4 लाइन, ये 9 प्लॉट्स हमारा दायरा है, हम सोच रहे हैं इस दायरे से बाहर नहीं जाना। कौन सा बिजनेस सक्सेसफुल होता है? जो बिजनेस बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाता है। इन यूएसए समवन थॉट दैट सर्च कैन बी अ बिजनेस, ढूंढना एक बिजनेस हो सकता है इंटरनेट। आज की तारीख में कोई भी माइंड में क्वेश्चन आता है तो कई बार इतना बड़ा वैल्यू हो गया, और एक टाइम में याहू को अपॉर्चुनिटी थी, वो गूगल को बाय कर सकता था, याहू ने नहीं किया। मतलब सर्च का बिजनेस होता है, सर्च का बिजनेस नहीं होता, बट गूगल वाले का कन्विक्शन था सर्च कैन बी अ बिजनेस एंड नाउ दैट इज सक्सेसफुल बिजनेस। दायरे से बाहर सोचा क्या, नाउ सी द सॉल्यूशन। 9 डॉट्स 4 लाइंस क्या हुआ, 2 बार में लाइन को दायरे से बाहर ले गया, मेरा काम हो गया। Isn't it? सही है कि नहीं है, कोई कमी है इसमें, कोई गलती हुई? लाइन क्रॉस हुई तो मैंने मना किया, मैंने कहा लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, मैंने ऐसा कहा कि लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, हम लाइन ही तो क्रॉस नहीं करते हैं, हम कोशिश नहीं करते लाइन क्रॉस करने की, हम कहते हैं ये तो हमारी लाइन है, एंड दैट इज कॉल्ड द बिजनेस बियॉन्ड द बाउंड्रीज। हम जब तक बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक बिजनेस कैसे चलेगा। ऐसा कहा जाता है कि नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस, नोइंग योरसेल्फ इज ट्रू विजडम, मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ बट मास्टरिंग योरसेल्फ इज ट्रू पावर। हम दूसरे को जानते हैं, बहुत पंचायती रहती है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, बहुत बढ़िया, दैट इज योर इंटेलिजेंस। हम खुद को कितना जानते हैं, अगर हमको अपने बिजनेस में कुछ नया करना है तो हम खुद को कितना जानते हैं। मास्टरिंग अदर सिस्टम, मेरे सारे के सारे लोग मेरे कमांड में, मास्टरिंग अदर सिस्टम बट कैन वी मास्टर आवरसेल्फ, क्या हम अपने मास्टर हैं, क्या हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं छोटी चीज बताता हूँ, अभी मैं आपको यहाँ पर ही मैसेज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने को दूं, वो नहीं कर पाएंगे कैसे, 10 लोगों में बुलाता हूँ, अभी आप आने में बहुत इंटरेस्टेड आइए, जो जो पहले नहीं आए वो आए, कौन कौन आने में इंटरेस्टेड है, आइए आप आइए, दो जो पहले नहीं आए उनको भेजो, कौन आ रहा है, आइए 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 आइए। इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी करी, इसमें चेयर नहीं खींचने वाले हम, आपकी चेयर यहाँ पे नहीं खींचने वाले, आइए अजी और आई ना, और यहाँ से कौन आएगा, आइए आइए आप आइए, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, इस टेबल से भी इस टेबल को भेजो, आप आ जाओ, आप दोनों आ जाओ, चलिए आ जाओ, आ जाओ, पहले भी आ जाओ, आ जाओ, कुछ नहीं हो, वैसे खड़े रहना है, अभी क्या होगा, हम है ना वॉच देंगे, अभी मैं मैसेज ट्रांसमिट करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, कैसे करूंगा आपके, अभी सब लोगों को एक तरफ देखना, सब लोग उस तरफ देखेंगे, बिल्कुल अभी क्या, मैं इनको एक बात बताऊंगा, आप अभी मैं इनको एक बात बताऊंगा और ये बात आगे बताएंगे,
मैं इनको एक बात बताऊंगा, ये आपको बात आगे बताएंगे और से आगे वाला आपको बताएगा, आप देखना जो मैं इनको बताऊंगा वो आगे क्या पूछूंगा, ठीक है? बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, सिर्फ आगे इशारों में, इशारों इशारों में हो गई बात वाली बात है ना। चलिए गौर से देखना, हो गया? चलिए इनको बताइए पीछे। माफी मांगने लग गया, नया इंट्रोडक्शन हो गया, खत्म कर दिया चैप्टर, ही खत्म कर दिया। ऐसे वो चूड़िया पहन रही है, बाद में सिंदूर लगा रहे हैं, कान में क्या पहना है कुछ, है ना, गले में कुछ पहना है, ऐसे ऐसे किया, आपको क्या मिला? झिंगा मिला, झिंगा लास्ट में झिंगा मिला। चलिए देखिए अब इजी है थोड़ा सा, है ना, पहले ना दुल्हन तैयार हो रही थी ना, अब थोड़ा इजी चलो गया, चलो गया, देखते हैं, बट रिटेन नहीं करते,
और उसके बाद कई बार हम परिस्थितियों को दोष देते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। जैसे मैंने कहा था मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ, मास्टरिंग योरसेल्फ इज अ ट्रू पावर। हमने अपने आप को मास्टर किया कि अभी हमने देखा उसको प्रॉपरली रिटेन ही नहीं कर सकते। मैंने पूरा बताया वो लड़की जो तैयार हो रही है, कान में क्या पहना है, सिंदूर लगाया है, चूड़ियां पहनी है, ऐसे हाथ हिलाया है और लास्ट में क्या पहुंचा कुछ और पहुंचा और ऐसा ऐसा नहीं आप लोग साथ होता है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, कंपनी सेक्रेटरी के साथ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग लेता हूँ, वो भी ऐसे ही होता है। एक जगह बताओ तो बात आपको कि हम लोग देखते थे हम कर लेंगे, बताना तो यार बता देंगे, पर जब रियल में बताते हैं तो हमें पता चलता है कि वो चीज तो हम पहुंचा ही नहीं। इसीलिए लर्न इज अनलर्न, क्योंकि दिमाग बहुत सारी चीजें घुसी हुई है उनको हम भूलते नहीं। व्हाट इज अनलर्न कि हमको जो आते पड़ गई दैट इज अवर कंफर्ट जोन, हमारे की स्टाइल बन गया। इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे ध्यान रखना है, बैठना है, चेयर पे कैसे बैठना है, इस चेयर पे बैठना है, बस वो स्टाइल में काम करते हैं। दो वी आर सक्सेसफुल, हम फिर भी सक्सेसफुल है तो हमें लगता है हमारा कम्फर्ट जोन बहुत अच्छा। एक बार राजा ने क्या किया, दो बाज खरीदे और एक ट्रेनर लगाया, बहुत बढ़िया उड़ा उसको, शानदार करो, बहुत अच्छे से उड़ना चाहिए, मजा आना चाहिए, सबको लगना चाहिए मेरे बाज। ट्रेनर ने बताया कि एक बाज तो बराबर उड़ता है, बहुत ऊपर जाता है, सीख रहा है, और दूसरा बाज क्या करता है, वो जाके ट्राली पे बैठ जाता है, उड़ता ही नहीं है, बहुत कहते हैं उड़ता ही नहीं। राजा ने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, अनाउंसमेंट कराते हैं, मुनादी करा देते हैं, जो भी जना इस बाज को उड़ना सिखा देगा उसे उड़ता इनाम दूंगा। तो सब लोग आए, कोशिश की, बाज उड़ाई गई, फिर एक लकड़हारा वहां आया, बोले क्या हो रहा है, बोले ये बाज उड़ता नहीं है, राजा कह रहा है इनाम दूंगा उसको उड़ाओ। बोले तो उसने कहा मैं ट्राई कर सकता हूँ। राजा के पास गए, राजा ने कहा यार तो लकड़ आ रहा है, तू कैसे बाज को उड़ाएगा, ये सब इतने बड़े बड़े ट्रेनर है, वो नहीं उड़ा पाए, पर चांस तो दो। थोड़ी देर बाद ट्रेनर आया, महाराज वो बाज उड़ रहा है। बोले कैसे हो गया, बोला लकड़ आ रही है, कैसे कर दिया, बोले तूने कैसे किया, बोले वो बाज की क्या आदत थी, वो एक फिक्स पेड़ की फिक्स डाल पे जाके बैठ जाता था, मैंने अपनी कुल्हाड़ी ली वो डाल काट डाली, जिस डाल पे बैठने की आदत थी वो डाल मेडिटेशन होता है उसके अंदर मैं आपको ये फील करा देता हूँ कि आप यहाँ से बाहर पहुंच चुके हो और आप ऐसा कर रहे हो और आपको रियल फील होता है। अभी थोड़ा सा साउंड का अंडरस्टैंडिंग लेके मैं एक एग्जांपल आपको जरूर दूंगा कि वो है चैलेंज। जब तक मैं अपने आप को चैलेंज ना कर, अब तक जो करते आए हैं उसमें कुछ चेंज ना कर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अभी आप सब इंडस्ट्री चलाते हैं, कुछ होता है अगले रिसर्च होती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए के प्लेन्स ने जापान के ऊपर खूब बम गिराए। एक आदमी की पिस्टन बनाने की फैक्ट्री थी, किसके लिए पिस्टन बनाता था, टोयोटा के लिए। उस फैक्ट्री को बम गिरा, दो बार बम गिरा, एक बार दो बार बम गिरा और फैक्ट्री तबाह हो गई, आधी बार फैक्ट्री तबाह हो गई। अब वो कह सकता था हे भगवान मेरे ही फैक्ट्री पे दो बम क्यों गिरे, प्लेन को मेरे से इतना क्या प्यार था, अमेरिका प्लेन से गिरा के मेरे को कोई बात नहीं। उसने कहा जितना बचा है वापस पिस्टन बनाना शुरू कर, जो सामान था समेटा, फैक्ट्री का जो हिस्सा था वहां पर पिस्टन बनाना शुरू किया। अब जापान में अर्थक्वेक आया और उसी की फैक्ट्री का बचा हुआ सारा हिस्सा खत्म हो गया, नेस्त नाबूद हो गया। गॉड इज नॉट सो काइंड, लोग करते हैं सुसाइड कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं, वो कहते हैं बचा ही नहीं है, हमने क्या करूंगा। उसने कहा कि अभी तक मैं पिस्टन बनाता था क्योंकि मेरे पास एक फैक्ट्री थी और मेरे पास फैक्ट्री नहीं है, सब खत्म हो गया है, तो मैं कुछ नया कर सकता हूँ। उसके दिमाग में कोई नया आइडिया था, उसने एक नया इंजन बनाया और उस इंजन को बनाकर साइकिल पे फिट किया और इस तरीके से दुनिया की पहली मोटरसाइकिल बनी। मोटरसाइकिल क्यों बनी, क्योंकि उसकी पिस्टन की फैक्ट्री खत्म हो गई। जब तक उसकी पिस्टन की फैक्ट्री बची हुई थी और शेष भी बचे हुए थे तब तक वो नया करना नहीं चाह रहा था। जब सब खत्म हुआ तो उसने वैसा किया, दुनिया की फर्स्ट मोटरसाइकिल बनी और आज उस कंपनी के इंजन को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, पूरी दुनिया उसको एडमायर करती है। और वो आदमी का नाम था सोइचिरो होंडा। होंडा मोटर्स, होंडा मोटर्स कैसे बनी, वो तो सोइचिरो होंडा तो पिस्टन बनाता था टोयोटा के लिए, अगर फैक्ट्री खत्म नहीं होती थी क्या वो होंडा मोटर्स बना पाता, नहीं बना पाता।
अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स आई है पिछले डेढ़ साल में, मतलब कई लोग कहते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ऐसा हो गया, होता है, तो हम कुछ नया भी तो कर सकते हैं। अभी तक जो चीजें नहीं कर पाए हैं उनको कर सकते हैं, और लोगों ने किया भी है, और जब वो नई चीजें कर पाते हैं तभी हम कुछ आगे बढ़ पाते हैं और कुछ ऐसा इनोवेशन दे पाते हैं। तो मुझे बोलने के लिए आधे घंटा दिया था, कोशिश करी आधे घंटे में 45 मिनट में जितना हम बात कर पाए और बहुत ज्यादा भाषण में देके आप लोगों को इन्वॉल्व कर पाए। और मैं अपनी बात एक शेर के साथ करूंगा, तुम अकेले नहीं हो सफर में, हवा में तनी मुठ्ठियां और भी हैं। तुम अकेले नहीं हो सफर में, हवा में तनी मुठ्ठियां और भी हैं। अभी तो चल रहे हो कदम दो चार मेरे मुंतजर, अभी तो चल रहे हो कदम दो चार मेरे मुंतजर, आसमान अभी और भी है। थैंक यू। सुशील जी नो अपने एक मोमेंट टॉपी ने नो एक स्वागत करेंगे। अशोक भाई माथुर, सॉरी सुनील जी का एक मोमेंट तो देके अपने मोमेंट तो देना है, तो अशोक जी, अशोक जी माथुर प्लीज कम आउट। अब दूसरे सुशील जी है, वो एक 5 मिनट के लिए आप आ जाइए। थोड़ा केमिकल्स सूरज जी, सूरज जी थैंक यू। So on behalf of all the manufacturers for chemicals that paints it in Jodhpur, Rajasthan, we want to thank the Gujarat Paints Raw Materials Supplier Association for inviting us here. Main just ek thoda introduction dena chahta hu Rajasthan ke market ka, to share jo members hain aapko share visible hoga. To hum dekhte hain ki you know aap sab yahan pe aaye aur aapne ye organize kiya. कुछ चीजें हैं यहाँ पे हम लोग सब, आई थिंक मैं तो काफी नया इस इंडस्ट्री में, बट हम लोग के बहुत सारे सीनियर्स हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का जो मार्केट है वो काफी अच्छा है, बट कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टर्स हैं, बिकॉज व्हाई हैंडीक्राफ्ट इज सो यू नो दैट इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड सो मच इन राजस्थान, इट इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। अगर आप यहाँ का क्लाइमेट देखेंगे तो राजस्थान का क्लाइमेट काफी ड्राई होता है, and that probably helps in terms of wooding of the modular furniture, that is one of the reasons. Second is that yahan pe Rajasthan mein handicraft hota tha industry which was very popular, which was typically handmade. To jo handicraft industry tha over a period of time it kind of they changed themselves and unhone usko revolutionize kiya aur change karke usko furniture industry mein convert kar, और वो जो टारगेट करते थे धीरे धीरे दे स्टार्टेड टारगेटिंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स। सो जो हमें जो हमारा रिक्वायरमेंट रहता है यहाँ पे, वी हैव टू मीट कंप्लायंसेस, इंटरनेशनल कंप्लायंसेस, सो दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो जो भी रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उसमें हम हमें इंटरनेशनल कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं। तो आई थिंक जो भी जिला जोधपुर में राजस्थान में बिजनेस करना चाह रहा है उसके लिए दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। Now third thing is that जो हमारा market है roughly यहाँ से about 3,000 crores का export होता है, and if I look at Rajasthan probably that's about 6,000-7,000 crores का export होता है। So but you know what is happening is over a period of time the market has become very competitive, and all of us know that कि price का बहुत factor हो गया है, so prices have become extremely important. So जो कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट आता है, वन हैज टू लुक एट हाउ टू गेट सॉल्यूशन इन अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव वे, राइट। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है अगर वो अच्छे प्राइस पे कुछ नया प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, सो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस। सो दैट्स सम ऑफ द पॉइंट्स आई थॉट वुड बी रिलेवेंट। आई थिंक आई रियली लाइक्ड कि
ये आपका एसोसिएशन है, जो आपका थीम है कि हम लोग आपने ऑर्गेनाइज किया और यू नो ऑल द सप्लायर्स दैट आपका मेन मोटो ये है कि जैसे हमारे यहाँ सेम प्रॉब्लम हमें आती है. प्रॉब्लम क्या आती है कि एक कस्टमर है हमारा, वो हमारे से बाय करता है और दे डोंट पे अस, देन दे विल गो एंड बाय फ्रॉम सम अदर अदर पर्सन, यू नो दैट दैट बिकम्स अ चेन. सो अल्टीमेटली वो एक इंडस्ट्री हैम्पर हो गई है. सो आई थिंक जो हम लोग यहाँ पर है, जो सब पेन मैन्युफैक्चर यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं जोधपुर के, मे बी हमें भी इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए. तो ऐसा मे बी जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें गाइड कर सकते हैं, टाटा टीचिंग है वो हमें गाइड कर सकते हैं कि हम कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सके, स्पेशली इस तरह से जो कि अगर कस्टमर्स हैं जो कभी स्टार्ट करते हैं बट दे डोंट हैव राइट क्रेडेंशियल्स, सो हाउ टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स, सो दैट इंफॉर्मेशन वी कैन शेयर अमंग अवरसेल्व्स. कुछ थॉट्स हैं ऐसे जो आप बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कुछ? So thank you so much again for inviting us and getting us here from on behalf of all the manufacturers. Thank you, Suraj ji. Suraj ji ka moment to leke abhivadan karenge Deepak Mathur. मीटिंग को आगे ले जाते हुए अभी आगे दो मिनट के लिए अशोक भाई परमा क्राउन पेंट्स वाले है, वो अपना दो मिनट के लिए मीटिंग का अभिवादन करेंगे. Under speaking with the guys of the guys, Promoter Gujarat Paint Promoter Suppliers Association, Chairman, Secretary, Treasurer, Jodhpur the manufacturers, Mr. Mani Sami, Abhi what has organized the IGs. We have reached some kind of summary, and we are the cause of the gas. फिर बाद में समझ में आया, फिर आपके अच्छी लगा, अच्छा लगा, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा तब लगता जब हम हॉस्पिटल और आपके हॉस्पिटल चलाएंगे नहीं, और ये मौका हमें दीजिए जब भी आगे कोई ऐसा हो. बहुत अच्छी बातें हुई, विक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं टेक्निकली. मेरे से सीनियर्स बहुत यहाँ है, लेकिन मैं अपना अनुभव में शेयर करना चाहता हूँ. सर दो मिनट में ये पीरियड जो है दो साल का वो क्रिटिकल था, और पेंट के लिए जो अब आया है वो उससे भी ज्यादा क्रिटिकल है. रॉ मटेरियल प्राइसेस राइज हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में स्क्रेसिटी का भी तकलीफ आ सकता है. हम कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे कॉस्ट रिडक्शन करेंगे, कैसे हम अपने अपने प्रोडक्शन को मैनेज करेंगे, सारी चीजों को संभालना, लेबर है तो उनको भी अपने को देखना है. इन सारी चीजों को देखते हुए इसके लिए honestly, I will request the paint raw material suppliers कि वो जितना हो सके, एक ही रास्ता अपने पास फोर लाइन वाला कोई रास्ता नहीं है, हमें तंग गली से ही बाहर निकलना है. एक ही रास्ता है, तंग गली है. ऐसा पहले था, इजी था, पहले एक बात चली थी शायद छेदन भी नहीं था कि 5-10 लाख की मशीन लगा दीजिए और रॉ मटेरियल सप्लाई मिल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा सब कुछ. ये बहुत हुआ, ऐसा होता था, हुआ. अभी ऐसा नहीं, विच इज नॉट से इजी गेम. अभी हमें दम गली में से निकलना है. तो इसके लिए सबको, चाहे रॉ मटेरियल सप्लाई हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, सबको बैठ करके सोचो और जितना हो सके रॉ मटेरियल सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स को कैसे कॉपरेट कर सकते. ये इसीलिए कह रहा हूँ, यदि हम जिंदा हैं तो आप जिंदा हैं. यदि हमारा कहीं हमारा काम रुकता है तो उससे पहले आपका काम रुकता है. इसलिए मेरा अनुभव ये कह रहा है, और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पेंट इंडस्ट्रीज में अभी हम फेस कर रहे हैं. हमें लग रहा है कि ये आने वाला समय हमारे लिए और भी ज्यादा टेक्निकल होने वाला है.
मेरा खुद का अनुभव है, हम जितना काम कर रहे हैं, मैं 40 साल से ऑलमोस्ट 40 इयर्स से इस बिजनेस में हूँ। पहले सप्लाई में था, फिर मैन्युफैक्चरिंग में आया, अभी नई जनरेशन हमारे साथ जुड़ने लगी है। उसका मेन रीजन ये है कि पेंट में ज्यादा स्कोप नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, जब तक कि अपने में कोई इनोवेशन नहीं हो, नयापन नयापन नहीं हो, तब तक हमारे साथ में नई पीढ़ी जुड़ने वाली नहीं है। और आर आई बी का सवाल है, बात पीछे नहीं थी, आर आई बी अपने एसोसिएशन लेवल पर होनी चाहिए। बहुत दुख की बात यह है कि अपना एसोसिएशन नहीं है, तो जिंदा नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई जयपुर लेके बैठा है, कोई जोधपुर लेके बैठा, कोई उदयपुर लेके बैठा, हो सकता है मैं ये मंच पर प्रोटोकॉल के खिलाफ हो सकता है, लेकिन जो मेरा अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले अपने एसोसिएशन को मजबूत कीजिए, यदि वो है तो हम है तो सारी चीजें वैसे सब हो सकती है। पर इतनी बात कहकर मैं अपनी बात मोदी साहब ने बोला है ना, सबका साथ सबका विकास, तो एक दूसरे का साथ होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। एक अपना शरीर एक है, अपना शरीर हमारा प्राण, ऐसा कुछ है, शरीर रहेगा और प्राण निकल जाएंगे तो उनको मतलब नहीं। सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दो साल से अपना खाली मार्जिन तो चला ही गया है, आपको कोऑपरेट होने के लिए वो अपना बिजनेस चला रहे, ऐसी हालत हमारी भी हो गई सबका। और पेंट्स की हालत देखे, हमारा मार्जिन प्रॉफिट की बात जाए तो खर्चे निकलते, वैसे लोग रोबोटे वाले काम करते, सबके लिए सपोर्ट देते हैं। अभी सबको संभाल के चलना है, बस एक दूसरे को संभाल के चलना है, अभी प्रॉफिट वाली बात ही नहीं है। चला ही गया। थैंक यू मेंबर्स। अब हम थोड़ा मोमेंटो सेरेमनी का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मीटिंग करने के लिए जोधपुर के काफी लोगों ने हमारा हेल्प किया है, तो हम उसका पहले जो भी लोग है उसका अभिवादन करेंगे भूखे देके। तो पहले चेतन भाई,
उनकी जो चैनल है वो माध्यम से उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया है और उन्होंने अपने मैगजीन में भी अपना पूरा ये इवेंट का वो नोट लेंगे, तो उसके लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बार खाली स्क्रीन हम अब ये मीटिंग के कोडाउन कर रहे हैं, तो लास्ट में दीपक भाई को बोलूंगा कि मीटिंग के बारे में मीटिंग की कोडाउन कर रहे हैं दीपक भाई। थैंक यू, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। एक मिनट हमारे दो स्पॉन्सर है उसको मोमेंट अपने बाकी है, तो प्लीज वेलकम सुरेश भाई, चेतन भाई। मुकेश भाई अभी कलका में बीच में हूँ कलका, तो एक चीज मैंने सीखा है कि आपको भी मैं बता देता हूँ, ये लोग अभी कौन है अपने पास जिंदा भी पैसा है तो रॉ मटेरियल खरीद लो, अभी ओवर रेट करने वाले हैं, तो जो भी खरीद सकते हैं वो खरीद लो, बाकी मिलने वाला भी नहीं जैसा बोलता है, तो हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी का टाइम तो सारा देता है, अभी का टाइम ऐसा है कि हम सारी दुनिया को कलर कर रहे हैं लेकिन अभी हमारा कलर हो रहा है। आप सभी को खाना खाने के बाद जाना है, कॉकटेल पार्टी है आपा में भी एक बाकी है, तो दीपक भाई प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सरशिप देने के लिए श्री सुरेश भाई पटेल नीता इंजीनियरिंग की तरफ से दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, लगातार दूसरी बार स्पॉन्सरशिप की है, अभी लास्ट स्पॉन्सरशिप उन्होंने 1 अगस्त 2021 में की थी, और श्री मुकेश भाई पटेल अम्यूरा पॉलीमर्स का भी मैं इस प्रोग्राम की स्पॉन्सरशिप देने के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और ये दोनों स्पॉन्सरशिप दिलाने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। इन सभी माननीय अतिथि मन की उपस्थिति से हमारे एसोसिएशन के इस प्रोग्राम की शोभा बहुत बढ़ गई है। सभी बूथ कांसा के मेंबर के सभी मेंबर्स को
लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या में इस प्रोग्राम में शामिल हुए और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मैं सभी वर्ग का खूब काम सर की पूरी वर्किंग टीम की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारे जोधपुर के व्यापारी मित्रों पूजा पेट्स श्री दीपक भाई माथुर श्री निर्माण साहब रेमू पेट्स और श्री आशीष भाई माथुर श्री अशोक भाई माथुर मधुकर पेट्स इन लोगों का हमें जोधपुर का जो ग्राउंड लेवल है उसमें हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर पूरा एक महीना भरपूर एक्टिविटी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन टीम वर्क से इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए मैं बूथ काउंसिल के प्रेसिडेंट श्री चेतन भाई वोरा वाइस प्रेसिडेंट श्री अल्पेश जोशी सेक्रेटरी श्री कमलेश सिंह पटेल